कैसे मिल सकता है, क्योंकि वर्तमान समय आप देख रहे हैं कि लिटरेसी तो बढ़ता जा रहा है, लिखना पढ़ना तो लोग जान रहे हैं, लेकिन हाउ मच एजुकेटेड पीपल आर, तो वो प्रश्न चिन्ह उठता हुआ नज़र आ रहा है। इन्फॉर्मेशन बटोर रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत कुछ ज्ञान और इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वही ज्ञान अपने जीवन में कितने हद तक उतारे हुए हैं उसका भी प्रश्न चिन्ह आज उठता है। सब कुछ समझते हुए भी हम अपने जीवन में क्यों नहीं उतार पाते हैं, वो है आध्यात्मिकता की कमी या खुद की समझ की कमी के कारण से। तो आध्यात्मिकता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आध्यात्मिकता अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। जितना हम अपने आप को सशक्त बनाते हैं तो अपने कर्मों को हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी एजुकेटर्स को यहाँ इसीलिए बुलाया गया है, क्योंकि आप जब सशक्त होंगे तो आप अपने इंस्टीट्यूशन, अपने यूनिवर्सिटी को सशक्त बना सकते हैं, आपके स्टूडेंट्स को सशक्त बना सकते हैं। एक घर घर बनता है दीवारों से नहीं, लेकिन घर में उपस्थित हुए लोगों के कारण से। जब आप सभी यहाँ इस प्रांगण में पधारे तो यहाँ के वाइब्रेशन से आप वो अनुभव किए होंगे। ये प्रांगण बना है दीवारों से, इस कैंपस के दीवारों से नहीं, लेकिन यहाँ जो तपस्वी तपस्या कर रहे हैं पिछले 30 सालों से, उन वाइब्रेशंस के कारण से यहाँ के प्रांगण इतने शक्तिशाली हैं। तो ऐसे आप अपने घर घर में ऐसे वाइब्रेशंस पावरफुल कर सकते हैं, अपने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में ऐसे पावरफुल वाइब्रेशंस फैला सकते हैं जिसके आधार से परिवर्तन बहुत सहज हो सकता है। तो इस कारण से आप सभी को यहाँ इनवाइट किया गया है। 3 दिन आप रह करके सुनेंगे, अनुभव करेंगे, और वापस जाने से पहले आप बहुत ही सुंदर अनुभव ज़रूर करेंगे, जीवन पलटाने वाला अनुभव करके जाएंगे, ताकि फिर वहाँ जा कर के आप परिवर्तन ला सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रल सेशन में जो हमारे महानुभव है, बहुत ही अनुभवी वक्ता है, उनसे अनुरोध करते हैं कि मंचासीन हो, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। परमादरणीय राजयोगिनी सुदेश दीदी जी, परमादरणीय राजयोगिनी प्रभा दीदी जी, परमादरणीय मृत्युंजय भाई जी, पांड्यमणि भाई जी, और मोस्ट रेस्पेक्टेड प्रोफेसर डी रविंद्र यादव जी, वाइस चांसलर ऑफ ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, मोस्ट रेस्पेक्टेड डॉक्टर इंद्रमणि जी, वाइस चांसलर ऑफ वसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभणी, मोस्ट रेस्पेक्टेड प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी, वाइस चांसलर ऑफ MDS यूनिवर्सिटी अजमेर, एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड गुरुदत्त अरोरा जी, प्रेसिडेंट ऑफ JBM एंड बाल मंदिर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस दिल्ली। आप सभी से नम्र अनुरोध है, मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। साथ साथ शिविका बहन जी और डॉक्टर RP गुप्ता भाई जी से भी निवेदन है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। शीलू बहन जी से भी निवेदन है कि मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे।
जब आप यहाँ आए हैं तो ये शब्द ओम शांति का शब्द बार बार आप सुनते हैं। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। बार बार जब ये बोलते हैं, उसको स्मृति में लाते हैं, व्हेन वी आर अवेयर ऑफ द कॉन्शियसनेस, तो फिर वो अनुभव हम ज़रूर कर सकते हैं। दो मिनट हम उस परमपिता परमात्मा की याद में रहते हुए ओम शांति के अर्थ में हम स्थित हो जाएंगे, फिर ये कार्यक्रम हम आगे बढ़ाएंगे। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। मैं अभी ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ, मंचासीन अपने मेहमानों का स्वागत तुलसी पौधा और बैज पहना करके स्वागत करेंगे। ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध है। Thank you.
सभी का शब्दों से स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय शिविका बहन जी, जो एजुकेशन विंग के हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर है। आप बचपन से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में रहे, अपने माता पिता के साथ आते रहे, यहाँ जो बच्चों के कार्यक्रम चलते थे उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में आते रहे, अपना इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अपनी शिक्षा प्राप्त करके MBA कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में अपना एजुकेशन पूरा करके अपना जीवन इस ईश्वरीय कार्य के लिए संपूर्ण समर्पित हुए। आप 3 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में बिरला सॉफ्ट कंपनी में भी आपने कार्य किया, फिर उसके बाद अभी वर्तमान समय शांतिवन में स्थित होकर के अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं आदरणीय शिविका बहन। बहुत बहुत थैंक्स सुमन बहन का। आप सभी बहुत समय निकाल कर के, हालांकि बहुतों की छुट्टी भी होगी, लेकिन बेहद प्यार से बेहद उम्मीदों के साथ इस प्रांगण में पधारे हैं। ये आंगन की बड़ी विशेषता है, आप सब महसूस कर रहे होंगे यहाँ आते हुए। इस धरती में बहुत शक्ति है, महसूस कर रहे हैं सभी? महसूस कर रहे हैं? तो ये आंगन जो है ना, हम लोग जैसे दीदी ने बताया कि बचपन से आ रहे हैं, तब से महसूस करते हैं इस बात को कि इस धरनी में बहुत शक्ति है जो हमें अपनी तरफ खींचती है। यहाँ से बहुत मीठी प्यारी यादें हम सब हमारी रूह तक पहुँच करके हमें सारी जीवन याद रहती है कि हमने यहाँ क्या पाया है। तो आप सब, हम कहेंगे कि बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, यू ऑल आर सो फॉर्चुनेट टू हैव टेकन टाइम। और हम तो कहेंगे कि भगवान के बुलावे पे यहाँ पधारे हैं, तो स्वयं भगवान आप सबका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप सभी का ब्रह्मकुमारीज के इतने मीठे इतने प्यारे परमात्मा निमंत्रण पर आप सभी यहाँ पहुँचे हैं, तो बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत है। और साथ साथ आज हमारे मंच पर जो विराजित महानुभाव, हमारी आदरणीय, जो इतने वर्षों से त्याग तपस्या की मूर्त, हमारी आदरणीय सुदेश दीदी जी, आपका दिल की गहराइयों से स्वागत। क्या कहे, दीदी की सेवाओं का क्या उल्लेख करें, देश क्या विदेश क्या, इस उम्र में भी दीदी जी इतना एक्सटेंसिवली ट्रैवल करते हैं। एक पैर ज्ञान सरोवर में मधुबन में है, तो एक पैर दीदी का विदेश में है, लंदन में है, फिर कहीं है। तो इतना हमारी दीदी सारे विश्व को शक्ति ब्लेसिंग्स देकर के, सभी को ज्ञान के रत्नों से सींच करके हम सबको इतनी पालना देते हैं, सस्टेनेंस देते हैं। तो हम सबके बीच में उदाहरण मूर्त हमारी दीदी जी आज पहुँचे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर भी हैं। मैं साथ साथ स्वागत करती हूँ राजयोगी ब्रह्म कुमार डॉक्टर BK मृत्युंजय भाई जी का, जो कि चेयरपर्सन है एजुकेशन विंग के। आप ब्रह्म कुमारीज के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भी है और मैनेजमेंट कमेटी मेंबर भी है, बहुत डायनेमिक है। तो मुझे ऐसा लगता है भाई साहब के हार्मोन्स, जो एड्रेनलिन पूरे टाइम फ्लो करता ही रहता है, करता ही रहता है, क्योंकि सबको इतना उमंग उत्साह भरते हैं, खुद भी उमंग उत्साह में रहते हैं, फ्लाइंग मोड में रहते हैं, उसी तरीके से जो भी उनके आसपास के लोग हैं उनको भी फ्लाइंग मोड में ही रखते हैं। तो इसलिए भाई साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि उनकी प्रेरणाएं हैं जो एजुकेशन विंग आज कहां से कहां पहुंचा है। मैं साथ साथ स्वागत करती हूं आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी शीलू दीदी जी का, जो कि वाइस चेयरपर्सन है एजुकेशन विंग की। शीलू दीदी जी को एक वरदान प्राप्त है स्वयं परमात्मा से कि उनके कंठ में सरस्वती का वास है, तो
उनकी मीठी वाणी हम थोड़ी देर में सुनेंगे ही, आप सब साक्षी बनेंगे उस बात के कि दीदी जी राजयोग शिविर, अनेक प्रोग्राम्स जो हमारा सबसे पहले इनफैक्ट जो टीवी पर प्रोग्राम शुरू हुआ चैनल पे, तो वो दीदी जी ही, शीलू दीदी उसके निमित्त बने, इंस्ट्रूमेंट बने स्टार्ट करने के। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इतनी श्रृंखला बाद में प्रारंभ हुई है। तो दीदी जी का भी बहुत स्वागत। आदरणीय डॉक्टर ब्रह्म कुमार पांडेमणि भाई जी जो कि डायरेक्टर हैं वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स के, राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के, आपके पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं क्योंकि बहुत सारी डिग्रीज है। तो भाई जी ने वैल्यू एजुकेशन कोर्सेज जो हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप करके एजुकेशन विंग, एजुकेशन कैसे ये स्पिरिचुअल एजुकेशन हम बच्चों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम दें, यूनिवर्सिटीज़ में दें, तो उसके लिए बहुत आपका प्रयास चलता रहता है। मैं साथ साथ स्वागत करती हूँ प्रोफेसर डी रविंद्र यादव जी जो वाइस चांसलर हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद। बहुत बहुत स्वागत भाई साहब फॉर टेकिंग टाइम एंड बीइंग हियर विद अस। डॉक्टर इंद्रमणि वाइस चांसलर ऑफ वसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभानी। आदरणीय राजयोगिनी बी के प्रभा दीदी जी जो कि डायरेक्टर हैं ज्ञान सरोवर के, आपका भी दीदी बहुत बहुत स्वागत है। साथ साथ प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी द वाइस चांसलर ऑफ एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर। मिस्टर गुरुदत्त अरोड़ा प्रेसिडेंट जेबीएम एंड बाल मंदिर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस दिल्ली। डॉक्टर आरपी गुप्ता जी हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर ऑफ द डिस्टेंस वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स ऑफ आरईआरएफ, आपका भी बहुत स्वागत। और मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय सुमन बहन जी का जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर है एजुकेशन विंग की और इस प्रोग्राम का सुचारू रूप से आप संचालन कर रहे हैं। धन्यवाद। ओम शांति। जो आए हैं उनका स्वागत तो मैंने पहले किया ही है, आप सबका भी जो देश विदेश के कोनों कोने से शायद यहाँ पधारे हैं हमारे सभी भाई बहन और जो कोऑर्डिनेटर्स भी हैं जो इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए निमित्त हैं, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिविका बहन जी का भी स्वागत है। मधुर वाले ग्रुप में आए हैं ना, मधुर वाले ग्रुप। अभी मैं अनुरोध करने जा रही हूँ पांड्यमणि भाई जी जो वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स के डायरेक्टर है, आप वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे। ही इज़ बीन द इंस्ट्रूमेंटल इन साइनिंग एमओयूज विद मेनी यूनिवर्सिटीज़, नेशनल बॉडीज, फॉरेन यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, ओपन यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। आपकी विशेषता ये है कि आपके पास 48 डिग्रीज हैं, उनके नाम के आगे अगर लिखते जाए तो दो तीन लाइन डिग्रीज के हो जाएंगे और उसमें से 20 मास्टर डिग्रीज हैं। और ऐसे महान आत्मा जो आप मल्टीफेसेट पर्सनालिटी है, राजयोगी है, बैंकर है, एग्जीक्यूटिव है, एडमिनिस्ट्रेटर है एंड ऑल्सो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है, काउंसलर है, साइकोथेरेपिस्ट है एंड मैनी मोर थिंग्स। ऐसे मल्टीफेसेड पर्सनैलिटी पांड्यमणि भाई जी से अनुरोध करते हैं हमारे इस ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन में जो वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसके बारे में हमें अवगत कराएंगे। उसके पहले हमारे बीच आदरणीय गुरुदत्त अरोड़ा जी पधारे हुए हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। बीके बहनों से अनुरोध है कि बैच पहना करके और तुलसी पौधा दे करके स्वागत करेंगे। ये कार्यक्रम लाइव जा रहा है तो इसीलिए आप सभी से अनुरोध रहेगा थोड़ा सा आगे आकर के बैठें तो और भी वाइब्रेशंस और भी पावरफुल आप महसूस कर सकते हैं। मंचासीन महानुभवों और प्रिय भाई और बहनों, आई एम रियली प्राउड
before you to give the introduction of value education programs run by Brahma Kumaris for the last 13 years. It was informed to you that I am instrumental to sign MOUs with various types of universities, but it is only because of the dynamic leadership of Professor Dr. B.K. Mridunjayji. Though you know Brahma Kumaris are giving the spiritual education and value education for the last 84 years, we have started the value education in higher education from the year 2009. Though we have started with Annamalai University, which was situated in South, in the year 2009-10, we could be able to sign MOU to more than 42 universities in different categories, not only in India, but also in foreign countries. Value education is the need of the hour. You all know that without the values, or the eradication of values is the main cause for all our problems. Whether it is the individual problem or family problem or national or international problem or even the environmental problem, all are due to the lack of values or the erosion of values. Therefore, Brahma Kumaris, since beginning, giving importance to the inculcation of values in the day-to-day life. Therefore, when we started this value education program, we started only with postgraduate diploma, one-year program. Now, we are offering 4 master degrees. One is value education and spirituality. Another is spiritual counseling. And the third one is spiritual psychology and well-being. And the fourth one, particularly for the MBA students, self-management and crisis management. These are the 4 postgraduates we are offering, and we are giving 2 undergraduate courses. One is Yoga and Value Education, BSc, and another one is Counseling and Spiritual Health. From the last year, we are starting from the Manipur International University. Till now, we used to offer these degrees to the Annamalai universities. Now, they have been prohibited not to give the courses out of the state. Therefore, we have to move from Annamalai University to Manipur International University. The courses are designed according to the need of the university or their demand. We are offering different courses through different universities according to their demand. For example, Dr. Ambedkar Open University in Gujarat, Ahmedabad, they offer the certificate course on value education and spirituality. Though it has been given as option course, more than 900 students have joined in the first year itself. It shows that the people also want to learn about the value education. You all know better that new education policy 2022 has come, and we could be able to meet the need of the not only the academic people but also to the staff members. And I am really happy to inform you that in 2023 we have started PhD in yogic science. Already we are having the 3 faculties, education, psychology and management, and we are offering this PhD in yogic science as interdisciplinary program. This year we have started DSE, postdoctoral program also. Those who are already having PhD in different fields, because it is interdisciplinary, people could not get this yogic science already in PhD or in master's degrees. The first year itself, more than 242 members have joined. It is a remarkable achievement for the institution. Even 100 years old, university could not able to get 242 PhD scholars the first year itself.
We are running the programs in calendar year, and second year sessions have now started from January. And this time, more than 172 people have enrolled themselves for this PhD program. Therefore, though Brahma Kumaris are offering the value education services more than 84 years, our value education in higher education through systematic way has started only in the year 2009. Hope you can also get the benefit out of it. Thank you very much for giving me an opportunity to share the information. Thank you very much, Pandyamani Bhaiji. Abhi, aap sabhi ka swagat bahut sundar geet ke dwara karne ke liye main aamantrit kar rahi hoon Madhurvani group ko. Bahut sundar shabdon ke saath aap aa rahe hain. Gyan Sarovar bana manohar, sabha ye alishan hai. Aise sundar shabdon ko leke aa rahe hain. Bahut sundar geet ke dwara prastuti de rahe hain Madhurvani group. सतीश भाई जी वो स्वयं लिखते हैं ये कविताएं और गोविंद भाई जी है और बितेंद्र भाई यहाँ समर्पित तीनों ही यहाँ समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और साथ साथ ये भी गीत गाने की भी सेवा आप सभी करते हैं ओम शांति शिक्षक नवयुग निर्माता हैं और शिक्षालय समाज के दर्पण है निर्माता हैं और आज ऐसे शिक्षक ऐसी शिक्षा ऐसा शिक्षालय कहाँ जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यहाँ पर नए विश्व के लिए नया ज्ञान दिया जाता है आप सभी का आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं ना अंत है आगमन से आपके आनंद ही आनंद है आनंद ही आनंद है एक बार जोरदार तालियां बजा के आप अपना स्वागत सरोवर बना मनोहर सभा ये आलीशान है आध्यात्मिक शिक्षा से होना परिवर्तन जहान है परिवर्तन जहान है नवयुग के लिए दिव्य ज्ञान दे रहा स्वयं भगवान है अनुपम शिक्षा सम्मेलन में स्वागत प्रिय सम्मान है स्वागत प्रिय सम्मान है मगर माँ पगर सनी रे घर सगा मगर माँ पगर कसर सा आत्म परिवर्तन से ही जग परिवर्तन होने वाला अध्यात्म शिक्षा से भारत विश्व गुरु बनने वाला
ऐसी शिक्षक ऐसी शिक्षा, ऐसा शिक्षक ऐसी शिक्षा, शिक्षालय वरदान है। अनुपम शिक्षा सम्मेलन में स्वागत प्रिय सम्मान है, स्वागत प्रिय सम्मान है। ज्ञान सरोवर बना मनोहर सभा ये आलीशान है, आध्यात्मिक शिक्षा से होना परिवर्तन जहान है, परिवर्तन जहान है। विभूतियों को चुन चुन प्रभु ने यहाँ बुलाया है, कल्प कल्प उसने ही आपसे जग कल्याण कराया है। हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा, मिला ये मंत्र महान है। अनुपम शिक्षा सम्मेलन में स्वागत प्रिय सम्मान है, स्वागत प्रिय सम्मान है। ज्ञान सरोवर बना मनोहर सभा ये आलीशान है, आध्यात्मिक शिक्षा से होना परिवर्तन जहान है, परिवर्तन जहान है। बड़ी प्रसन्नता है और इसकी प्रत्यक्षता आपकी करतल ध्वनि है। रे सनी रे घर सगा मगर माँ पगर ग सर सा, रे सनी रे घर सगा मगर माँ पगर ग सर सा। ईश्वर की ये बनी योजना सफल तो निश्चित होना है, सोचना क्या हाथ हमें बहती गंगा में धोना है। शिव शक्तियों के संग संग में, शिव शक्तियों के संग संग में नवयुग करना निर्माण है। अनुपम शिक्षा सम्मेलन में स्वागत है सम्मान है, स्वागत प्रिय सम्मान है। ज्ञान सरोवर बना मनोहर सभा ये आलीशान है, आध्यात्मिक शिक्षा से होना परिवर्तन जहान है, परिवर्तन जहान है। स्वागत प्रिय सम्मान है, परिवर्तन जहान है, स्वागत प्रिय सम्मान है, परिवर्तन जहान है, स्वागत प्रिय सम्मान है, स्वागत प्रिय सम्मान है। बहुत सुंदर, सभी का स्वागत है, सम्मान है, स्वागत स्वागत बार बार है आपके ही घर में, परमात्मा के घर में, ज्ञान सरोवर के इस पवित्र प्रांगण में आप सभी का पुनः पुनः स्वागत है, सम्मान है। अभी मैं अनुरोध करने जा रही हूँ परमादरणीय राजयोगिनी शीलू बहन जी से कि आप इस टॉपिक के बारे में बताएंगे और अनुभव, मेडिटेशन का अनुभव भी आप ज़रूर कराएंगे। शीलू बहन जी, आप 12 साल की उम्र में ही इस संस्था के संपर्क में आए आपके लौकिक माताजी के साथ। आप बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन प्राप्त करने के तुरंत बाद अपना जीवन समर्पित किए 1969 में। फिर उसके बाद बॉम्बे, बैंगलोर, काठमांडू, हैदराबाद,
अफ्रीका मॉरिशस बहुत सारे जगह पर अपने सेवाएं देते हुए 1976 से आप यहाँ हेडक्वार्टर्स में स्थित होते हुए आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं राजयोगी शिक्षिका है और इस एजुकेशन विंग के आप वाइस चेयरपर्सन हैं। आप यहाँ जो राजयोग शिविर होते हैं तीनों ही कैंपसेस में, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और शांतिवन में जो 7 डेज कोर्सेज के राजयोग शिविर होते हैं आप उनके डायरेक्टर हैं, और बहुत सारे टीवीज और इसमें ब्रॉडकास्ट किए हुए हैं, बहुत सारे लेक्चर्स और बहुत परिचय क्या देना, आप सबको पता है शीलू बेन कौन है, तो ज़्यादा आप दोनों के बीच में ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ परमादरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी शीलू बहन जी। ओम शांति, सभी कहेंगे मेरे बाद ओम शांति, ओम शांति। शांति के सागर परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, परमात्मा की अति प्रिय संतानों, मंच पर आसीन सम्मान्य विद्वानगण और सभा में उपस्थित सर्व गुरुजन, ज्ञान सरोवर परिसर में हमारी तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत सुंदर विषय पर आज का यह महासम्मेलन आयोजित हुआ है, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू स्पिरिचुअल एजुकेशन, आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा वैश्विक परिवर्तन। वास्तव में ये एक बहुत बड़ा करंट विषय है। जब हम चारों ओर नज़र घुमाते हैं तो दुनिया में जो कुछ भी दिखाई देता है, विज्ञान का चकाचौंध तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मायूसी, उदासी, और अगर हम इसको और विस्तार में देखें तो किस प्रकार से मनुष्यों का व्यवहार चलता है, झूठ, छल, कपट, निंदा, चुगली, बेईमानी, हेराफेरी, भ्रष्टाचार, न जाने कितने ऐसे शब्द हैं जो आज हर एक के मुख पर हैं, और इन सब का कारण है आध्यात्मिक शिक्षा की कमी। शिक्षा में 4 स्तंभ बताए जाते हैं, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। ये भी सब शिक्षा के ही अंग हैं। लर्निंग टू नो, ये इसको तो हम महत्व देते ही हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज इतनी बढ़ चुकी है, जो लर्निंग टू नो इज सो ईजी। गूगल गुरु से हम कुछ भी पूछ सकते हैं और हमें उत्तर मिल जाता है। सो लर्निंग टू नो इज नॉट अ बिग थिंग। मीडिया आज हमें सब कुछ बता रहा है,
But learning to do is of course more important. Skills हम सीखते हैं आजीविका कमाने के लिए, वो ज़रूरी है जीवन जीने के लिए, लेकिन इन सब का आधार है living to be. जानना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बनना ये बहुत बड़ी बात है. और फिर साथ रहना, learning to live together. पहले ज़माने में joint families होती थी, सब मिलकर कैसे रहते थे. आज nuclear families हो गई है, और बड़े दुख से कहना पड़ता है, कई देशों में हमारा जाना हुआ है, न्यूक्लियर फैमिलीज भी आज कैसे नष्ट हो चुकी है. मनुष्य अकेला रहना पसंद करते हैं, किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है, क्योंकि सहन करने की ताकत नहीं है, सहयोग देने की शक्ति नहीं है, मिल करके कार्य करने की हिम्मत नहीं है. अभिमान इतना बढ़ चुका है, मैंपन चारों ओर दिखाई देता है, ईगो. कहाँ एक दो को हम रिस्पेक्ट देते थे, आज वो रिस्पेक्ट तो ख़त्म, और ही एक दो को दुख देने लिए तुले हुए हैं, कष्ट देने लिए तुले हुए हैं, कितना विस्तार करें. बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन इन जो कुछ भी शिक्षा पाई है, उन सब का मूल आधार है कि हम सोचते क्या है. कई बार सोच कुछ और ही होती है, बोल कुछ और होते हैं, कर्म कुछ और होता है. सामंजस्य सोच बोल और कर्म में नहीं होता है. तो बच्चों को शिक्षा तो बहुत दी जाती है, लेकिन सोचना कैसे है वो कहाँ सिखाया जाता है, क्या सोचना है. तो स्पिरिचुअल एजुकेशन अर्थात वो सोचना क्या है वो सिखाया जाता है. स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कम्स फ्रॉम द वर्ड आत्मा. आत्मा का अध्ययन. संसार को सीख लिया, समझ लिया, क्या बड़ी बात है, पर खुद को समझा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ इस संसार में, जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा है. इसलिए IQ तो बहुत हाई हो गया, लेकिन EQ की भी कमी है. इसका कारण है MQ तो ना के बराबर है, मॉरल कोशेंट ना के बराबर है. और इसका और मूल कारण है स्पिरिचुअल कोशेंट है ही नहीं. तो ये जो मिसिंग लिंक है आज समाज में, उसके कारण इतनी समस्याएं आ गई है. तो क्या है ये स्पिरिचुअल एजुकेशन? खुद को पहचानो, मैं कौन हूँ. ये प्रश्न सदा चला आया है, सदियों से. बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने भी ये प्रश्न किया, नो दाई सेल्फ, डोंट आई नो माई सेल्फ. आज हम आपसे पूछेंगे आप कौन हैं, आप कहेंगे मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं वाइस चांसलर हूँ, अपना ऑक्यूपेशन बताएंगे. लेकिन एक दिन आप रिटायर हो जाएंगे, तो फिर ये प्रोफेशन को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा और रिटायर्ड कहना पड़ेगा. तो जो भी हम अपना परिचय देते हैं, ये सब परिचय टेम्पररी है. आज है कल नहीं होगा, आज कोई पद है कल उस पद पर नहीं होंगे. तो ये सब जो टेम्पररी चीज़ें हैं, ये वास्तव में मैं नहीं हूँ. मैं वो हूँ जो शाश्वत हूँ, जो भगवान के आगे भी हूँ, दुनिया के आगे भी हूँ. वो हूँ जो सदा
था, हूँ और रहूँगा, और वो है आत्मा। तो मैं वो आत्मा हूँ, वो चेतन सत्ता हूँ, ये पहचानना, ये स्पिरिचुअल एजुकेशन है। फिर ईश्वर कौन है, वो कहाँ है, कैसे हम उनसे मिल सकते हैं, क्या उनसे प्राप्ति करनी है, ये भी कई प्रश्न मन में उत्पन्न होते हैं ईश्वर को जानने की। उसकी भी शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा में मिलती है। फिर उसके बाद ये संसार जो एक चक्र के रूप में मानते हैं, वो चक्र कैसे चलता है, समय क्या है। समय ऐसा नहीं है कि कभी समय था ही नहीं, समय सदा से है। समय एक लकीर की तरह नहीं है जो यहाँ आरंभ हुई और यहाँ पूरी हो गई, लेकिन समय चक्र के समान है। तो समय को पहचानना, और अभी कौन सा समय चल रहा है, और क्यों ये आवश्यकता पड़ी है ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन की। वैसे तो क्षणे क्षणे ट्रांसफॉर्मेशन तो होता ही रहता है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज चेंजिंग एक्सेप्ट चेंज। चेंज इज परमानेंट, बट इन दैट चेंज वॉट इज द चेंज आई एम ब्रिंगिंग इन मी। वो चेंज हम अपने पास अपने अंदर देखें। तो जो बाह्य मुखता की बातें हैं उनसे हटकर अंतर्मुखी बन करके अपने आप को पहचानना, और उस आत्मा के पिता परमात्मा को पहचानना, उनसे संबंध जोड़ना, और जो हम जीवन में चाहते हैं, शांति हो, प्रेम हो, सुख हो, खुशी हो, आनंद हो, शक्ति हो, जो हम भगवान से मांगते हैं, वो हमको अनुभव परमात्मा से योग लगाने से हो। आज योग भी कितना कॉमन शब्द हो गया है, लेकिन योग के नाम पर योगा कह करके इस योग शब्द का अपभ्रंश कर दिया है। योग का सरल से सरल अर्थ है जोड़, और उसका आध्यात्मिक अर्थ है आत्मा का जोड़ परमात्मा के साथ। उस जोड़ को हम कैसे अनुभव करें, आज वो जोड़ कहीं खुल गया है। जैसे करंट अगर नहीं है, इसका मतलब कहीं फ्यूज़ उड़ गया है, पावर हाउस से कनेक्शन कट हो गया है। तो हम भगवान से शांति शक्ति मांगते रहते हैं, लेकिन हम ये भूल गए हैं कि जो चीज़ हम ईश्वर से मांगते हैं, वास्तव में वो हमारे पास ही है, सिर्फ अंदर झांकने की ज़रूरत है। तो स्पिरिचुअल एजुकेशन हमें वही सिखाता है, और वही हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाते हैं, जिसको हम राज योग कहते हैं, जिससे हम पहले अपने इंद्रियों के राजा बनते हैं, फिर अपने मन के भी राजा बनते हैं, फिर सबके दिलों के भी राजा बनते हैं। और ये ऐसा योग है जिससे हम फिर विश्व के भी राजा बन सकते हैं। राजयोग, राजाई लेने लिए योग, पर पहले अपने ऊपर राजाई। तो वो कैसे आएगी, जब सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन विल लीड टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ये इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नारा है। कई समझते खुद को बदलने से दुनिया बदल जाएगी, हम कहते बिल्कुल बदल जाएगी। आप बदल जाएंगे, आपके परिवार में परिवर्तन आएगा, आपके समाज में आएगा, देश में आएगा, विश्व में आएगा, अवश्य आएगा, पर पहले खुद को तो बदलो। हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं, आजकल ब्लेम गेम बहुत चलती है, परंतु तीन उंगली तो हमारे तरफ होती है। एक कारण होगा उसकी भूल, लेकिन तीन कारण तो मैं हूँ, तो मुझे पहले बदलना है। ये हमें आध्यात्मिक शिक्षा सिखाती है। तो इसीलिए इनर वैल्यूज़ की जो बात डॉक्टर पंड्यामणि जी कर रहे थे,
कितनी वैल्यूज़ है, और अगर वो जीवन में वैल्यूज़ नहीं है तो कहा जाता है जीवन का भी कोई वैल्यू नहीं है. लाइफ इज़ वैल्यूएबल ओनली बिकॉज ऑफ वैल्यूज़. इफ नो वैल्यूज इन लाइफ देन लाइफ हैज़ नो वैल्यू. वो तो ऐसे ही है जैसे बस श्वास ले रहे हैं. और वो वैल्यूज़ कैसे आएगी, जब हम स्वयं को परमात्मा से कनेक्ट करेंगे, उनसे शक्ति लेंगे. वो पावर हाउस है जिसको ही हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं. तो हम कुछ मिनटों के लिए उसका अभ्यास करेंगे, लेकिन सवेरे के जो सत्र होंगे आपके, उसमें विस्तार से आपको अभ्यास कराया जाएगा. पहले तो हम सब सीधा बैठेंगे, सभी सीधा बैठें. स्वयं से पूछें, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ से हूँ. इन प्रश्नों का जवाब आपको अंदर से ही मिलेगा. ये राजयोग का पहला कदम है, नोइंग दाई सेल्फ. मैं एक आत्मा हूँ. चिंतन करें, मैं एक दिव्य शक्ति हूँ. मैं शांत स्वरूप हूँ. मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ. इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ. ये शरीर विनाशी है और मैं आत्मा अविनाशी हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, एक ज्योति हूँ. अति सूक्ष्म हूँ, भ्रकुटि के मध्य विराजमान एक चैतन्य सितारा हूँ. इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ. ये शरीर मेरा एक वस्त्र है. जिसे धारण कर मैं आत्मा इस सृष्टि मंच पर अभिनय कर रही हूँ. मुझ आत्मा ने अनेक देह रूपी वस्त्र धारण किए, अनेक अभिनय किए. पर ये रंगमंच मेरा घर नहीं है, मेरा वास्तविक घर पांच तत्वों से पार शांति का धाम है, अखंड ज्योति का धाम है, जहां सूर्य चांद
सितारों का भी प्रकाश नहीं पहुंचता, वो मुझ आत्मा का परम धाम है। मेरे पिता परमात्मा का भी यही धाम है, वो अखंड ज्योति का ब्रह्म तत्व, सुनहरा लाल प्रकाश, जहां चहो और शांति ही शांति है, असीम शांति। यहां मैं आत्मा परमात्मा के सम्मुख हूं, जो रूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान बेअंत है। उनसे निकलती हुई शांति की किरणें मुझ आत्मा को शांति प्रदान कर रही है। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति मुझ आत्मा का मूल स्वभाव है। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा रही हूँ। जैसे बूंद सागर में समा जाती, यही राजयोग है। इसी अनुभूति में हमें रहना है, जिससे सहज ही हमारी सोच में, हमारी बोल में, कर्म में, व्यवहार में, संबंधों में परिवर्तन आएगा और हम स्वयं को सशक्त कर सर्व को सशक्त कर सकेंगे और विश्व परिवर्तन में कदम बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। Thank you very much, Sheila Ben, for this beautiful experience. Now I would like to invite Professor D. Ravindra, who is the Vice Chancellor of Telangana University, Nizamabad, to give his greetings. He's been recognized as the top 2% scientist international level in the field of materials with the recent released list by Stanford University, not once but 4 times in 2020, 2021, 2022, and latest 2023 also, he has been recognized with that
thing, and he has the research experience of 36 years in nanotechnology, material science, nanomagnetism, thin films, and magnetic materials. And he has been awarded with many awards like DST, JSPS Invitation Fellowship 2002, Boys Cast Fellowship 1994, Royal Society Visiting Fellowship, and also that was in 1996, and Young Scientist Award in 1994, awarded, and this was received by Dr. APJ Abdul Kalamji, and also UGC Career Award in 1994. Such a learned scholar is amidst us, most respected Professor D. Ravindraji. Thank you very much. I am very happy to address in this occasion. It is particularly for university college education conference on global transformation through spiritual education. I am very thankful to organizers of the Brahma Kumaris Jnana Sarovar for giving opportunity to speak in this occasion. Respected BK Shivika and Coordinator Education Wing and Padmini Director Value Education Program. Thank you very much, and all respected people, those who are seated on the dais. So actually I am basically physics and belongs to nanotechnologist. We made several experiments in particularly physics, magnetic nanoparticles, by finding out the nature of the charge carriers like N-type, P-type semiconductors, and they will be useful in industry also. And my part of the work carried out under drug delivery applications, particularly in magnetic resonance imaging. And in this research, by the grace of God, I received 4 times world top 2% scientist by Stanford University, USA, for outstanding research in the field of materials. So when I was walking through my street, there will be a board in Secunderabad, Hyderabad, particularly Brahma Kumari Meditation Center. Actually, when I was Vice Chancellor, there are a lot of tensions with the students and teaching and non-teaching staff. So when I saw that one, that I have approached that center, and last year onwards, particularly, I'm attending Murli 7 to 8, 1 hour. And also visited one center in Gachibowli. So after visiting these centers, my mind is very fresh. Actually, particularly, I did lot of work research in nanomaterials and nanotechnology. And right now, I will shift to this material scientist particularly recognized me that into spiritual education. When I saw this global transformation through spiritual education, so I was impressed. I must attend this program. So actually there is we are collaborating several scientists particularly in spiritual education and combining with materials and also combining with artificial intelligence.
So we are trying to solve samadhi problems. How to do, how to motivate this spiritual education towards educated and non-educated people. When we are thinking about the spiritual education, our mind is very fresh, and also it gives a lot of energy to me, particularly when I was started Murali. So I wish to visit more times to this center for doing some sort of research using some machine learning, artificial intelligence with spiritual education. So I am very happy to share my some of opinions with the audience and also people, those highly motivated, this Brahma Kumaris. And today morning I also visited that Shanti one also. I am very much impressed. So after some time I'll spend most of the time to hear in Brahma Kumari Gyan Sarovar. Thank you very much. I am very happy. Thank you very much, sir. As Albert Einstein has said, that science without spirituality is lame, and spirituality without science is blind. When both of them go hand in hand, we can bring about a lot of progress in the society and in the world. Definitely, you're most welcome to spend most of your time in Brahma Kumaris in different campuses and experience even more in depth about spirituality, sir. Now I would like to invite Dr. Indramani ji, who is the Vice Chancellor of Vasant Rao Naik Marathwada Krishi Vidyapeeth, Parbhani. Sir has worked as Joint Director Research at prestigious Indian Agriculture Research Institute, IARI, New Delhi, and also sir with more than 29 years of service, has extensively worked in the areas of machinery development for agro-residue management, dry land agriculture, vegetable mechanization, small farm mechanization, and equipment for enhancing fertilizer use efficiency. The technologies developed and upscaled by him have reached to more than 18 states of the country and have created a great social economic impact by making agriculture a profitable venture through production in dry land areas, enhanced fertilizer use efficiency, biomass management, production of quality compost, and mechanization of small farms. Most respected Professor Dr. Indramani ji. Manchasin sabhi vidwajjan, rajyogi, परमपिता परमात्मा के सुयोग के संताने, हम सब जो इस हाल में बैठे हैं, मैं सर्वप्रथम संस्था ब्रह्मा कुमारी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे प्रोग्राम में इनवाइट किया. और मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से मैं मूल सिद्धांत जो हैं ब्रह्मा कुमारी के, उनको फॉलो करता हूं. बहुत पहले जब मैं स्कॉलर था 1993 जून में, मुझे यहां आकर के 7 दिन का रुकने का मौका मिला था, और जो कुछ मैंने सीखा था उसको ज़िंदगी भर फॉलो किया. और जो सबसे बड़ी चीज़ थी इस संस्था की, कि अगर दान करना है तो बुराई दान करो. जो आपके अंदर बुराई हो, लास्ट डे जब हम जा रहे थे यहाँ से,
तो ये कहा गया कि कागज में लिख करके यहाँ डाल जाओ, उतना ही आपसे गुरुदक्षिणा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी भावना को बढ़ाने वाली संस्था को सत्सत नमन। मैं सबसे पहले शैलू बहन जी की जितनी बातें कही थी उनका सब का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ, क्योंकि जो बातें आपने कही वही आज लायक कर रहे हैं। आपने समाज का एक बहुत बढ़िया जो है चित्र प्रस्तुत किया, जो आप बताने की कोशिश की भी, नॉलेज चाहिए, करना सीखो, फिर क्या हो समझना सीखो और साथ साथ रहना सीखो। यही बैलूच, यही चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। विद्या का मतलब हमने एजुकेशन को ऐसा रख लिया, गुरूर, हमने मान लिया कि पढ़े लिखे हैं हम तो हम बहुत डिस्टिंक्ट हैं, बहुत अलग हैं। ये यहाँ गलती हो गई। बहन जी ने कहा कि मनसा बाचा कर्मणा में कोई रिलेशन नहीं रहा, ये गलती हो गई। मन में कुछ, बाणी में कुछ, कर्मों में कुछ, यहाँ गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। और फिर जब हमने जो हमारा विद्या का स्वरूप था उसमें था कि विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रतात धनम उपतान, धनात धर्म तथा सुखम। हमने बना लिया विद्या ददाति धनम, विद्या ददाति सुखम, और बीच की सारी चीज भूल गए। तो ये यहाँ पर गलती हुई है, उस गलती को का करेक्शन होना चाहिए। मैं विद्या है भी तो विद्या का होना महत्वपूर्ण नहीं है, आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट का होना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको कैसे उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। बहुत जरूरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधु हो विपरीत मेदम, ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। तो विद्या का और बल का और धन का अगर सदुपयोग कर रहे हैं तब आप सज्जन हैं, और दुरुपयोग कर रहे हैं तो आप दुर्जन हैं। चाहे जितना पढ़े हैं आप, चाहे जितनी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, चाहे जितने बड़े साइंटिस्ट हैं आप, चाहे जितने बड़े व्यक्ति हैं आप, ये समझना ज़रूरी होगा। और हमने गलती फिर वही है कि हमारे जो मूल सिद्धांत थे, जो दीदी ने कहा कि योग से योगा हो गए, उसी तरीके से हर चीज़ में हम बदल गए और हम ये समझने लगे कि बस हम ही हम हैं। हमने दिया था नारा कि वसुधैव कुटुंबकम, उसके पहले की लाइन हम में ज़्यादातर जानते नहीं, पढ़ते भी नहीं, कि पूरा श्लोक है अयम निजह परो वेति गणना लघु चेतसाम। ये मेरा, ये तेरा, ये गणना करना, कैलकुलेशन करना क्षुद्र बुद्धि वाले लोगों का काम है। मैं बड़ा तू छोटा, ये क्षुद्र बुद्धि वाले लोगों का काम है। अयम निजह परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। दीदी ने वसुधैव, मैं उन्हीं की बातों पर ही अपनी बात थोड़ा केंद्रित करूंगा, क्योंकि उनको मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि शास्त्रों में हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहा क्या गया था। बहन जी ने यह भी कहा कि हम अपनी बात को तो सही मानते हैं, दूसरे को गलत करना साबित करते हैं। हमें सिखाया गया था कि जो जनाः सरसप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यन्ति, आत्मनः बल्ब मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यन्ति। दूसरे के अंदर सरसप भर का दोष होगा, सरसों के मात्र सरसों भर का दोष होगा, तो वो गुरेर गुरेर का हम देखना चाहते हैं और साबित करना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर दोष है। और अपने अंदर बेल भर का दोष होगा, पश्यन्नपि न पश्यन्ति, देखते हुए भी हम नहीं देखना चाहते कि हम ये गलती कर रहे हैं। तो ये जितनी बातें हम आपको रख रहे हैं, और इसने किया क्या कि दीदी आपकी बातों को मैं बहुत सराहना करता हूँ कि कमज़ोर बना दिया हमें। आज इंसान कितना भी टॉप लेवल पे बैठा है, क्योंकि कर्म ठीक नहीं है, जो इनर ठीक नहीं है,
आप जानते हैं ना, एक अंदर की शक्ति होती है, एक बाहर का प्रेशर होता है। हम अंदर की शक्ति, मटेरियल साइंस के हमारे साइंटिस्ट बैठे हैं यहाँ, कि एक अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ होती है। आप बिल्डिंग डिजाइन करते हैं तो इसकी अपनी एक ताकत है, ऊपर से एयर और दूसरा हर तरीके के प्रेशर आते हैं। अंदर की शक्ति कमजोर हो गई तो थोड़ा भी प्रेशर आ गया तो हम डूब गए। तो जो इंसान को अभी बच्चों को क्या समझाना है कि जो ज़्यादा ज़्यादा हमारा टारगेट को बच्चे होने चाहिए, क्योंकि उनमें मोल्डिंग की जा सकती है। वो यही समझाने की कोशिश करनी है कि तुम्हारे असली दोस्त क्या है, कौन है, और तुम्हारे असली दुश्मन कौन है जो तुम्हारे ज़िंदगी भर साथ रहें। मेरा अपने बच्चों को और विश्वविद्यालय में यह समझाना होता है कि क्रोध, अहंकार, गुस्सा, ईगो, ये तुम्हारे जिंदगी भर के दुश्मन है। सब जगह तुम्हें पिटवाते रहेंगे, चाहे विचारधारा से पिटोगे, चाहे वैसे पिटोगे, कैसे भी पिटोगे। और प्यार, करुणा, दया, साथ देना, साथ रहना, सबको स्पेस देना, टाइम और स्पेस लोगों को देना, ये तुम्हारे असली साथी हैं जो तुम्हारे जिंदगी भर कवच बन करके तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे। तुम देश में हो, विदेश में हो, बुरी परिस्थिति में हो, अच्छी परिस्थिति में हो, अगर अपने सच्चे साथियों को आपने पहचान लिया कि जो जीवन की लास्ट सांस तक, चाहे सब साथी छोड़ जाएं, लेकिन ये साथी आपके अंतिम सांस तक रहेंगे, और सांस तक ही नहीं, हो सकता है 100 साल आपके जीवन के बाद भी रहें, कि वो तो बड़े दयालु आदमी थे, वो तो बड़े करुणामय आदमी थे, वो तो बहुत अच्छे आदमी थे, जब आप थे हो जाएंगे तब भी वो बैलूज आपके साथ रहेंगी। तो मेरा ज़्यादा समय न लेते हुए यही है कि हमें इन बातों को समझना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाषणों से ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हम सीधे, हम एक्चुअली स्टेट हैदराबाद से आए, और वहाँ पर एसोसिएट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का मैडम बहुत बड़ा संगम था, और यही सब बातें हो रही थी जो बातें आप यहाँ कर रहे हैं। 400 से करीब विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर इकट्ठे थे। चिंतन वही है कि हम अपने वैल्यू से शिफ्ट कर गए, एजुकेशन में शिफ्ट गए, व्यवहार में शिफ्ट कर गए, और चाल चलन में शिफ्ट कर गए, और उसका परिणाम क्या हुआ कि हम कमज़ोर होते गए, कमज़ोर होते गए। फर्दर कमज़ोरी को रोकने का एक तरीका है, जो वहाँ पर हमारे तेलंगाना के ऑनरेबल गवर्नर आए थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की, और उन्होंने कहा कि एक कोट वगैरह पढ़ना का मतलब नहीं है जब तक कि आप डिमॉन्स्ट्रेट न करिए। बड़े जगह पे जो लोग बैठे हैं, बड़े जो हैं, आप पेरेंट हैं तो पेरेंट के रूप में डिमॉन्स्ट्रेट करिए, टीचर हैं तो टीचर के रूप में डिमॉन्स्ट्रेट करिए, आप अगर बड़े भाई बड़े बहन हैं तो उसके रूप में डिमॉन्स्ट्रेट करिए, समाज में खड़े हैं तो समाज में एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में डिमॉन्स्ट्रेट करिए। क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेट जब आप करेंगे तब वो ट्रांसफर एफिशिएंसी बेटर होगी, और जो लोग उसको समझेंगे कि यार ये तो बहुत सज्जन आदमी, इतनी बड़ी जगह बैठा, इतने स्ट्रेस में है फिर भी बड़ा कूल रहता है, इतना है फिर भी ये चीज़ के इसको हर मौके हैं गलत करने का, बिल्कुल गलत नहीं करता। तो ये चीज़ें जब आप डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे तब लोगों के ऊपर इसका प्रभाव जाएगा। मेरा यही प्रार्थना है, यही अनुरोध है कि हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, और जो कहते हैं ना इंडिविजुअल चेंज करे फिर समाज अपने आप बदलेगा, क्योंकि इंडिविजुअल समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, हर एक इंडिविजुअल महत्वपूर्ण। वहीं से शुरुआत कि मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा, और जो हमारी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को हम फॉलो करेंगे। एक बार मैं फिर से आप सभी को नमस्कार करता हूँ, और मंच को नमस्कार करता हूँ, ब्रह्मा कुमारी को मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत गहरी बात, और बहुत कम समय में आप सार रूप में हमारे बीच में रख करके गए। इसमें से बहुत अच्छी बहुत सारे अच्छी बातें थी, लेकिन मुझे जो लास्ट में आपने जो कहा कि जो अपर लेवल में है वो अगर परिवर्तन लाते हैं तो नीचे जो है तो वो ऑटोमेटिकली परिवर्तन उन लोगों में आ जाता है, क्योंकि जो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। क्योंकि बिल्डिंग में टॉप में अगर बैठते हैं तो बहुत सारे लोग देखते हैं ना, तो टॉप में बैठे हुए लोगों के प्रति नज़र
समाज का बहुत रहने के कारण से अगर उनका परिवर्तन आ जाता है तो समाज में परिवर्तन बहुत जल्दी निश्चित ज़रूर है। अभी मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी प्रभा दीदी, जो ज्ञान सरोवर प्रांगण के डायरेक्टर हैं और साथ साथ भरूच सब जोन के आप इंचार्ज भी रहे। पिछले 60 वर्षों से आप राज्ययोग का अभ्यास कर रहे हैं, बचपन से ही आप इस संस्था के साथ जुड़े और पिताश्री ब्रह्मा बाबा के अंग संग में पालना लेते हुए बहुत सारी सेवाएं यहाँ हेडक्वार्टर्स में, गुजरात में और देश भर में अलग अलग जगह पर आपने सेवाएं देते हुए अभी वर्तमान समय ज्ञान सरोवर में उपस्थित होकर के डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं आदरणीय राजयोगिनी प्रभा दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रभु पिता परमात्मा, शिव पिता परमात्मा की प्यारी प्यारी संतानों, विशेष पूरे भारतवर्ष से पधारे हुए सभी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले, विशेष मंच पर विराजमान सभी महानुभावों, अभी आप सभी विशेष इस महासम्मेलन में पधारे हैं तो परमपिता परमात्मा, शिव पिता परमात्मा के घर में आप सबका विशेष आगमन हुआ है। परमात्मा पिता ने आप सबको विशेष निमंत्रण देकर के यहाँ बुलाया है और उस पिता परमात्मा के विशेष निमंत्रण पर आप सभी यहाँ पधारे हैं तो कितने गर्व की बात है और कितना हम कहें कि सौभाग्य है आप सबका कि आप सबको परमात्मा ने चुन करके यहाँ पर बुलाया है। ये भी एक बहुत बड़ा आपका भाग्य है और इस भाग्य का ही अगर हम सिमरन करेंगे तो जीवन में हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आज यही बातें होती हैं कि जीवन के अंदर से वैल्यूज़ चली गई हैं, कैसे अपने जीवन के अंदर हमें वैल्यूज़ लानी है, क्योंकि जीवन को वैल्यूबल बनाने के लिए हमें जीवन के अंदर वैल्यूज़ की बहुत आवश्यकता है। वो वैल्यूज़ कैसे हम जीवन के अंदर ला सकते हैं तो उसके लिए ही परमपिता परमात्मा ने ये योजना बनाई है कि कैसे हम अपने जीवन को वैल्यूज़ वाला बनाएं, वैल्यू धारण करें, क्योंकि हमारा ही जीवन वैल्यूबल था और वो वैल्यूबल जीवन के अंदर से वैल्यूज़ जाने के कारण आज मनुष्य का जीवन क्या बन गया है वो तो हर एक हम देख ही रहे हैं। हर एक जीवन में क्या चाहता है, सवेरे के दिल में यही रहता है कि मेरे जीवन में सुख रहे, शांति रहे, हर एक सुख शांति चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि जितना मनुष्य के जीवन में चाहना है और उतनी ही सुख शांति दूर भागती जा रही है। उसका ही मूल कारण यही है कि हमारे जीवन के अंदर जो वैल्यू थे, जो गुण थे, दिव्यता थी, वो ख़त्म हो गई है। तो परमपिता परमात्मा ने अभी हम सबके लिए ये एक विशेष योजना बनाई है कि हम कैसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, वैल्यूबल बनाएं। जो हमारा जीवन श्रेष्ठ था, जिसकी हम सभी महिमा भी गाते हैं,
आज मंदिरों में पूजा भी करते हैं जिन देवताओं की, वो देवता कोई और नहीं थे, हम ही थे, हमारा ही जीवन था। तो वैसा जीवन फिर से हम अपने जीवन को बनाएं, उसके लिए परमात्मा विशेष आप सबको यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि आप सभी अपने अपने क्षेत्र के अंदर कार्य करते हैं और करते हुए भी हर एक यही चाहता है कि हम अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ते रहें, अपने जीवन को सफल बनाते रहें। तो सफल बनाने के लिए विशेष परमात्मा ने हम सबको एक ही स्लोगन दिया है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। जितना हम स्व का परिवर्तन करेंगे उतना विश्व का परिवर्तन होगा। आज मनुष्य स्व का परिवर्तन नहीं चाहता है, लेकिन दूसरों का परिवर्तन देखता है कि ये कितना कर रहा है। तो जैसे हमारी शीलू दीदी ने बताया कि एक उंगली हम सामने वाले के आगे करते हैं तो तीन उंगलियाँ हमारे तरफ होती हैं। तो हमारा परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन लाएगा। तो कैसे हम अपने जीवन के अंदर परिवर्तन को धारण करें, अपने जीवन को वैल्यूबल बनाएं, सुख शांतिमय बनाएं, जिसके लिए आप सभी आज ज्ञान सरोवर परिसर में पधारे हैं। तो यही कहेंगी कि परमात्मा जो हम सब आत्माओं के पिता हैं, और पिता होने के नाते परमात्मा पिता है, तो पिता की हमेशा पिता क्या देता है, हमेशा पिता वर्षा देता है। तो परमात्मा पिता का वर्षा है सुख शांति और पवित्रता, उस वर्षे को आप यहाँ से लेकर के जाए, यही मेरी शुभ इच्छा आप सबके प्रति है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दीदी जी का। आपने बहुत सुंदर रीति से कहा कि यहाँ इस संस्था में ये लक्ष्य दिया जाता है कि नर ऐसे करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसे कर्म करे जो लक्ष्मी बने, जो 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे संपन्न आत्माएं हम यहाँ बने। तो ये लक्ष्य है इस ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, क्योंकि ब्रह्म कुमारी ये भी एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ ये शिक्षा दी जाती है कैसे हम अपने कर्मों में परफेक्शन लाएं, कर्मों में कुशलता लाएं, ताकि फिर ना केवल हम अपने जीवन में सुखी रहे लेकिन समाज में भी वो सुख शांति और आनंद ज़रूर उस समाज में लेके आए। और पुनः जैसे रात के बाद दिन को आना ही है, ऐसे कलयुगी अंधेरी रात के बाद सतयुगी सवेरा ज़रूर आना है। वो परिवर्तन लाने के लिए हमारा योगदान बूंद बूंद से सागर बनता है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो ये हमारा नारा है। अभी मैं अनुरोध करने जा रही हूँ आदरणीय प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी, जो महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, ही हैज़ बीन द वाइस चांसलर ऑफ MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली एंड ख्वाजा मोहिंदीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ, एंड ही हैज़ ऑल्सो सर्व्ड एज प्रोफेसर हेड एंड डीन इन द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, एंड हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर मोर देन 35 ईयर्स अलॉन्ग साइड वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज, ही इंट्रोड्यूस्ड एंड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड मैनी इनोवेटिव अप्रोचेस in teaching in the classroom. Most respected Professor Anil Shuklaji. ब्रह्मा जी के स्थान पुष्कर से आया हूं। पुष्कर सरोवर है, ब्रह्मा जी के पुष्कर सरोवर से ब्रह्म कुमारियों के ज्ञान सरोवर में ज्ञान का गोता लगाने के लिए आया हूँ कि अगर मैं कुछ बदल सकूँ तो अपने विश्वविद्यालय और समाज को भी बदलने की कोशिश कर सकूँ।
मंच की सौम्यता, यहाँ की पवित्रता, नीरवता, दिव्यता, भव्यता इस बात की गारंटी देती है कि जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है वहाँ के खाली भवन ही नहीं सुंदर हैं, वहाँ की भावना भी सुंदर है। खाली साधन ही नहीं सुंदर हैं, साधना भी सुंदर है। वहाँ के विद्यारथियों के खाली चित्र ही नहीं सुंदर हैं, उनके चरित्र भी सुंदर हैं। और जब चरित्र सुंदर होंगे तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मेरे विश्वविद्यालय का नाम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय है। दयानंद जी बहुत मेधावी थे, बहुत प्रखर वक्ता थे, उनमें दिव्यता थी, भव्यता थी, प्रखरता थी। तो किसी ने उनसे कहा कि जब तक सही गुरु आपको नहीं मिलेगा तब तक जो आप में ओज भरा हुआ है वो समाज को सही दिशा नहीं दे पाएगा। तो उनको सुझाव मिला कि आप वृंदावन जाओ, वहां बिरजानंद जी हैं। बिरजानंद जी प्रज्ञा चक्षु थे, उनको दिखाई नहीं पड़ता था। दयानंद जी उनकी कुटी में गए, दरवाजे पर कुंडी खटखटाई तो बिरजानंद जी ने पूछा कि कौन है। दयानंद जी ने कहा कि कौन हूं यही तो समझने आया हूं। जिस दिन ये समझ गया उस दिन सब कुछ कल्याण हो जाएगा। तो अगर हम अपने विद्यार्थियों को, अपने मित्रों को, अपने भाइयों को ये समझा सकें कि आप कौन हैं, तो शिक्षा का लक्ष्य पूरा हो गया और दुनिया बदल जाएगी। कहते हैं कि जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं उनमें जो क्षमता होती है उसका कोई 2% यूज करता है, कोई 2.5% यूज करता है, कोई 3% यूज करता है। अगर मौका मिले, अच्छा विश्वविद्यालय मिले, ईश्वरीय विश्वविद्यालय जैसी संस्था मिले, अच्छे टीचर मिले, तो हो सकता है कि हमारे विद्यार्थी अपनी इन क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक यूज कर सकें। हमें लगता है कि जो हमारी संकल्पना थी कि हमारे 140 करोड़ देवता हैं, वो शायद संकल्पना यही रही होगी कि हम में और देवताओं में अंतर खाली इतना है कि देवता जहां पर होंगे वो अपनी क्षमता का 100% यूज कर रहे होंगे, और जिस दिन हमको अच्छे संस्थान मिल गए हमारे सब लोग अपनी क्षमताओं का 100% यूज करने लगेंगे तो हम लोग भी देवता की कैटेगरी में आ जाएंगे। आत्मा और परमात्मा का यही अंतर है कि हम कम क्षमताएं यूज कर रहे हैं और जो पूरी क्षमताएं अपनी यूज कर रहे हैं उनमें उनका गुण अलग है, उनका चरित्र अलग है। अगर हम देखें हम में कोई अंतर नहीं है। आप कोई धर्म भी उठा लो, ईसाई धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य सालवेशन है, जैन धर्म में शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य है कैवल्य है, बौद्ध में जो है वो निर्वाण है, इस्लाम में तौहीद है, हिंदू में मोक्ष है। तो जो हमारा अंतिम लक्ष्य है वो सब धर्मों का यही है कि हमको अंत में अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ इस तरीके से विलीन कर लेना है कि हम जो मोह माया में फंसे हुए हैं उससे मुक्त हो जाए। लेकिन जो हमारी शिक्षा व्यवस्था रही थोड़ा सा उसमें सुधार की जरूर गुंजाइश रही। रुडयार्ड किपलिंग ने एक किताब लिखी व्हाइट मैन बर्डन। उस किताब में रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा कि हम लोगों पर, हम गोरे लोगों पर खास करके एक बड़ा बोझ ये है कि दुनिया के लोगों को हमें साक्षर करना है, दुनिया के लोगों को हमें लिटरेट करना है। अरे शिक्षा और साक्षरता दोनों में बहुत अंतर है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है एतद् दश प्रसूतस्य सकह साद्रक जन्मनः स्वम स्वम चरित्र संस्कारितेन पृथिव्याम सर्व मानवः।
हम दुनिया के लोगों को लिटरेट करने के लिए नहीं, संस्कारित करने के लिए पैदा हुए हैं। और जब संस्कार अच्छे होंगे तो जो ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन का हम कंसेप्ट लेकर के आए हैं, निश्चित रूप से वो समाज बदलेगा, वो दुनिया बदलेगी। मैं ज़्यादा समय न लेकर के खाली इतना कहना चाहूँगा, जो दो तीन बिंदु यहाँ पर उठाए गए कि साक्षरता और शिक्षा दोनों अलग अलग है। शिक्षा का, डिग्री का आपकी पर्सनालिटी से कोई बहुत लेना देना नहीं है। किसी ने लिखा था कि ये डिग्रियाँ तो आपकी फीस की रसीदें हैं, असली इल्म तो आपके किरदार में झलकता है, जिस तरीके का आपका चरित्र होगा वो ये गारंटी देता है, वो ये गारंटी देता है कि शिक्षा से आपने क्या पाया है। डिग्रियां सब कुछ नहीं दर्शाती हैं। यहां पर बहुत बार बात उठी, हमें पढ़ाने के तरीका बदलना होगा, हमारी जो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है उसको बदलना होगा। जो मोक्ष है वो व्यक्तिगत नहीं होता है, मोक्ष समष्टिगत होता है। जब पूरा समाज बदलेगा तब मोक्ष मिलेगा ना। पर अपने यहां दूसरे को नीचा दिखा लेना ज्यादा अच्छा है। अरे ट्राइंग टू डू बेटर एंड ट्राइंग टू बीट अदर्स, दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। हमें दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है, हमें बेहतर करना है। मैं जीतना तो सभी से चाहता हूं लेकिन हराना किसी को नहीं चाहता हूं। और हमारे यहां व्यवस्था ऐसी है कि अगर न बच्चे के नंबर 100% आ जाए, 99% आ जाए, क्लास में दूसरी पोजीशन है, माँ बाप नहीं खुश होते। बच्चे के 40% नंबर आ जाए, क्लास में पहली पोजीशन हो, वो बहुत खुश होते हैं। मतलब इसका ये है कि पहली पोजीशन का मतलब ये कि दूसरे वाले को आपने हराया। अरे हराना शिक्षा का लक्ष्य नहीं है, शिक्षा का लक्ष्य सहयोग है, शिक्षा का लक्ष्य सबको साथ लेकर के चलना है, शिक्षा का लक्ष्य आनंद पाना है, शिक्षा का लक्ष्य किसी को नीचा नहीं दिखाना है। शिक्षा और इसीलिए टीचर से भी उम्मीद करते हैं हम लोग कि उसको खाली इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्ट नहीं करना है, उसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी करना है। और जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी करना है तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी करने में तीन शब्द यूज होते हैं। आपको खाली बच्चे को इंफॉर्मेशन नहीं देना है, इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको एक्शन, एटीट्यूड फॉर्मेशन और प्लस रियलाइज कराना। इसीलिए टीचर को आचार्य कहते थे कि उसका आचरण ऐसा होगा कि जो दूसरे लोगों के लिए अनुकरणीय होगा, अगर उसका आचरण अनुकरणीय नहीं होगा तो बहुत सही नहीं होगा। समय की सीमा है, मैं खाली इतने कहना चाहूँगा आपके साथ में कि रामायण के दो पात्र राम और रावण हम सबसे परिचित हैं। कहते हैं कि समाज में उसकी पूजा होती है जिसके पास ज्ञान ज़्यादा होता है, तो ज्ञान रावण के पास ज़्यादा था। कहते हैं समाज में उसकी पूजा होती है जिसके पास बल ज़्यादा होता है, तो बल भी रावण के पास ज़्यादा था। और फिर कहते हैं समाज में उसकी पूजा होती है जिसके पास धन ज़्यादा होता है, धन भी रावण के पास ज़्यादा था। रावण के पास ज्ञान भी ज़्यादा था, बल भी ज़्यादा था, धन भी ज्यादा थी, लेकिन पूजा राम की होती है क्योंकि राम का चरित्र उत्तम था। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने समाज को बदलने की दिशा दी, इसलिए हम पूजा उनकी करते हैं। तो अगर हमारे संस्थान इस तरीके के बन पाए तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत अच्छा कर सकेंगे। बस मैं खाली यही कहूँगा कि शिक्षा का लक्ष्य कुछ किताबें पढ़ लेना नहीं है। What you know, that is not education. What you not know, that is education. Making sense from nonsense, that is education. अब what you not know, that is education. It means you have to explore yourself. और जब आपने आप को आप एक्सप्लोर करोगे तब ज्ञान का कंस्ट्रक्ट होगा, और जो नया ज्ञान का कंस्ट्रक्शन होगा वो समाज को ऐसी दिशा की ओर ले जाएगा जिस दिशा की ओर समाज को जाना चाहिए। बातें बहुत सारी सी हो सकती थी, मैं बहुत बातें न कह करके बस इसी बात पर अपनी बात एक छोटी सी घटना के साथ समाप्त करूँगा, तभी दुनिया बदल पाएगी। प्रेमचंद ने एक कहानी मंत्र लिखी थी, बहुत छोटी सी कहानी थी। वो कहानी कुछ ऐसी थी कि एक डॉक्टर चड्ढा होते थे, इलाज करते थे,
उनके पास एक भगत बड़ा गरीब आदमी था, अपने बीमार बच्चे को लेकर के आया। अस्पताल का समय खत्म हो गया था। भगत ने बड़ा निवेदन किया। डॉक्टर चड्ढा ने बच्चे को नहीं देखा कि कल लाना, समय खत्म हो गया। उस बच्चे की जान नहीं बच पाई। कुछ दिन बाद डॉक्टर चड्ढा का बच्चा शहर से आया हुआ था या विदेश से आया हुआ था। गांव में उसको सांप ने काट लिया। सांप को उतारने का जहर नहीं, उतारने का उस समय दवा नहीं था, मंत्र के द्वारा लोग जहर उतारते थे। पीठ में पीतल की थाली लगा करके कुछ मंत्र पढ़ते थे, तब जहर उतरता था। भगत मंत्र जानता था सांप का जहर उतारने का। डुगडुगी पिटाई गई, भगत जाने लगा। उसकी पत्नी ने रोका कि तुम मत जाओ, ये वही डॉक्टर चड्ढा हैं जिन्होंने अपने बच्चे का इलाज नहीं किया था, देखा नहीं था। भगत नहीं माने, गए। जितनी उनकी ताकत थी, जो मंत्र जानते थे पढ़ा। डॉक्टर चड्ढा का बच्चा ठीक हो गया। डॉक्टर चड्ढा सब कुछ दे देना चाहते थे भगत को, लेकिन भगत ने कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं लूँगा। चुपके से आकर के अपनी चारपाई पर वो लेट गए। मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जिससे चाहे डॉक्टर चड्ढा पैदा हो, चाहे न पैदा हो, लेकिन अगर भगत पैदा होंगे तो ये दुनिया बदल जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी, बहुत सारी प्रेरणाएं आपने दी कम समय में। अभी मैं रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ आदरणीय गुरुदत्त अरोरा जी, जो JBM यूनिवर्सिटी और बाल मंदिर ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन हैं, एंड ही हैज़ मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स आर बीइंग सर्व्ड बाय हिम इन 5 स्कूल्स ऑफ दिल्ली NCR and working for 1,000-bedded hospital and university Yamuna Expressways, Noida. Most respected, Gurudat Arora ji. Adaraniya Vidvadgan, Manchasin, aur mere smaksh, is pure Bharatvarsh se aaye hue vishesh आगंतुक, मैं सबको अपने मन की गहराइयों से सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। मेरे ख्याल से सब जितने भी मंच पर बैठे हैं उनमें उम्र में भी सबसे छोटा होऊंगा और एक्सपीरियंस में भी सबसे छोटा होऊंगा, इसीलिए बोलने में कुछ थोड़ा बहुत सकुचा भी रहा हूँ। विषय गंभीर है, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एजुकेशन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन के अलावा तो कोई माध्यम है ही नहीं जो इस विश्व जगत में परिवर्तन ला सकता है। परिवर्तन का माध्यम एजुकेशन ही बनेगा। एजुकेशन ही वो काम कर सकता है जो चरित्र निर्माण का काम हमें सौंपा गया है समाज द्वारा। हम सबकी एक जिम्मेवारी है, हम अपने गुरुओं से जो हम सीख पाए कि अगर हम ठीक तो हमारा विद्यालय ठीक, हमारा विद्यालय ठीक तो ये जगत ठीक, ये संसार ठीक। हम सब कोई सब कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, अपने अनुकूल देखना चाहते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो हम देखना चाहते हैं वैसा व्यवहार हमें करना भी होगा, वैसा अपने जीवन को ढालना भी होगा। पहला, अगर हम चाहते हैं कि हम सभी एक दूसरे का सम्मान करें तो हमें दूसरों को सम्मान देना होगा। सम्मान पाने के लिए सबसे ज़रूरी है, चाहे मेरे मंच के सामने बैठे हैं चाहे मंच पर बैठे हैं, हम सब सुख चाहते हैं, हम सब सुखी होना चाहते हैं, हम सब में आंतरिक सुख चाहिए हम सबको। उस सुख को पाने का माध्यम क्या है? उस सुख को पाने का माध्यम मेरे विचार में तो सिर्फ एक ही है कि हम सब में सुख बाँटें। अगर मैं किसी सामने वाले को दुखी करूं तो शायद मैं सुख कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि अभी मेरे अग्रणीय जो वक्ता थे उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर होते हुए वो सुख नहीं दे पाया, वो सुख की कामना जब उसका नंबर आया तो बहुत कर रहा था। तो ऐसा विचार सबके पास नहीं होता, ऐसा विवेक सबके पास नहीं होता कि उसने मेरे बच्चे की सेवा नहीं भी की तो भी मैं उसकी सेवा करूँगा, ये मेरा दायित्व है।
ऐसा मन में विचार रखना ही, सुख बांटने की एक अनुभूति रखना ही, कि मुझे सुख मिले या ना मिले, मैं सुख बांटने वाला मिलूं, मुझे बच्चे की फीस मिले या ना मिले, मैं बच्चे को पढ़ाने वाला बनूं। ठीक है कि हमें सब काम अकाउंट्स को मैनेज करके करने होते हैं, फीस आएगी तो शायद हम अपने अध्यापकों की उनकी पेमेंट्स दे पाएंगे या कुछ भी, और बाकी सब अपना सर्कल चला पाएंगे, तो ये एक संसारिक नियम है। लेकिन वो नियम आड़े हमारे कर्तव्यों के ना आए, ऐसा चिंतन, ऐसा आवश्यक चिंतन हमारे मन में चलता रहे। ये एजुकेशन के द्वारा हमारा सिस्टम कैसे ठीक हो, सबसे पहले तो अपने बच्चों में हमें ये भाव डालना पड़ेगा कि हमें एक छोटा सा, एक प्रकृति पर हम बात कर रहे थे, स्वामी अक्षरधाम से एक संतों का आगमन हुआ तो उन्होंने कहा कि इसका सबसे अच्छा माध्यम ये है कि हमारे बच्चे नित्य एक नियम बनाइए और उस पर कठोरता से उस नियम को लागू करिए कि हर बच्चा सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करे। अगर वो ऐसा करता है तो आधी समस्याएं उसके जीवन की, उसके परिवार के जीवन की दूर हो जाएंगी। कितना छोटी सी बात है, एक बच्चा अपने माता पिता के, अपने बड़ों के नित्य चरण स्पर्श करे, ये शिक्षा स्कूल दे, इस पर जोर दे। हमने उस नियम को कड़ाई से लागू करने की कोशिश की, बड़ा प्रयास किया। जब हमने शुरू में इसके प्रयास किया तो पहले कुछ वर्षों में ऐसा लगभग 10% बच्चों में चेंज आया कि हाँ, हम अपने माता पिता को प्रणाम नित्य करते हैं, चरण स्पर्श नित्य करते हैं। उसके बाद मेरे मन में ऐसे ही विचार आया, हम अपने टीचर्स के साथ संगोष्ठी कर रहे थे तो मैंने यकायक ही मन में पूछ लिया कि हम इसमें पूरे उतर क्यों नहीं पा रहे, ऐसा चेंज क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने अपनी टीचर से पूछा, कितनी टीचर्स अपनी माता पिता या अपनी सास, मतलब मदर इन लॉ के चरण स्पर्श कर कर आती हैं? एक भी टीचर के हाथ ऊपर नहीं हुए, एक भी टीचर के। तो सूत्र पता चल गया कि हमने सबसे पहले अपने टीचर्स को टाइट किया कि नहीं भाई, आप बच्चों को, हम आपको जिम्मेवारी दी है बात सिखाने की, तो सबसे पहले तो चेंज हमें अपने अंदर लाना होगा। तो सबसे पहले अब से जब भी कोई संगोष्ठी होगी तो फिर यह प्रश्न पूछा जाएगा कि कितने लोग चरण स्पर्श करके अपने बड़ों के, अपने बच्चों के पास आते हैं शिक्षा देने। क्योंकि शिक्षा देना या कोई कंटेंट देना बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर सिर्फ कंटेंट देने से शिक्षा पूरी हो जाती तो आजकल घर बैठे एक क्लिक से सबको सारे कंटेंट मिल जाते हैं और बड़े विस्तार में मिल जाते हैं, और उसका एक बहुत विकराट रूप भी अभी देखने को मिल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जिससे उसका गलत दुरुपयोग करके भी लोग समाज में कुछ गड़बड़ भी करते हैं। ऐसे कई सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आपकी आवाज़ कॉपी करेंगे और आपको ही उसमें विनय में डाल देंगे कि उसमें परीक्षा में डाल देंगे कि वो आपकी आवाज़ है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं। तो हमारी एजुकेशन ठीक रास्ते पर चले तो इसके लिए ये प्रयास हमारे विद्यालय ने किया। ऐसे समय समय पर बड़े सारे प्रयास होते रहते हैं, जैसे प्रकृति से अपने विद्यालय के बच्चों को जोड़ना। JBM ग्रीनो फेस्ट के नाम से हम कार्यक्रम करते हैं जो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक 3 महीने तक ये चलता है। लगभग 1.5 से 2 लाख वृक्ष हमारे बच्चे हर वर्ष लगाते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं। क्योंकि हम थोड़े से चतुर शिक्षक कहलाते हैं, कैसे कहलाते हैं कि हम ये जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना रखते हैं। हमारे कृषि वैज्ञानिक यहाँ बैठे हैं क्योंकि उनको सबको पता है कि वर्षा का काल होता है। अगर हम पौधे लगाएंगे तो थोड़े दिन तो हमारी प्रकृति ही उसको सींच ले और वो जड़ पकड़ ले तो पौधा चलता रहता है। तो हम इस सूत्र को पकड़कर ये 3 महीने हमने JBM ग्रीनोफेस्ट के रखे हुए हैं। तो उसमें हम प्रकृति से जुड़ते हैं, JBM ग्रीनोफेस्ट करते हैं और ये मानते हैं कि आवर एनवायरमेंट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गो ग्रीन बिफोर ग्रीन गोज़। तो ये नारे लगाकर हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं। ऐसे ही स्पोर्ट्स का होता है, एक हमारे यहाँ एक स्पोर्ट्स का कार्यक्रम चलता है JBM आह्वान करके। दिल्ली NCR के बहुत सारे स्कूल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लगभग 20,000 स्टूडेंट्स हर साल स्पोर्ट्स पर्सन उसमें जुड़ते हैं पूरे NCR के। बहुत सुंदर एक स्पोर्ट्स का कार्यक्रम होता है, उसका हमने नाम रखा है JBM आह्वान। आज से लगभग 15 वर्ष पहले ये आह्वान हमने शुरू किया था और उस आह्वान किया था कि हम अच्छे एजुकेशनिस्ट दे सकते हैं तो हम अच्छे स्पोर्ट्समैन भी देख सकते हैं, ये देना भी स्कूल की जिम्मेवारी है। तो हमने बड़े छोटे ग्रुप से उस पर काम किया, अंडर
3, अंडर 4, अंडर 5, अंडर 10 की तो हमने टीम्स भी बनाई, तो ऐसे बच्चों पर हमने छोटे लेवल पर होकर स्पोर्ट्स पर फोकस करके काम किया। ये हम जो जुलाई अगस्त सितंबर से अगला तिमाही आती है उसमें ये काम करते हैं, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। लेकिन हमने आज से लगभग 25 वर्ष पहले एक और विशेष बात सोची कि हम कैसे अपने समाज में ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात है उसके विषय पर आ रहा हूँ कि कैसे इसमें चेंज ला सकते हैं। हम सभी जानते हैं हमारे यहाँ नवरात्र महोत्सव होता है, हर 6 महीने बाद नवरात्रि होती है, जैसे आश्विन नवरात्रि होते हैं। अभी कल ही नवमी बीती है, नवमी हमारे यहाँ नवरात्रों का अंतिम दिवस होता है, तो हम उन नवरात्रों में श्री रामचरित मानस के पाठ करते हैं। हमारे स्कूल के पेरेंट्स, हमारे स्कूल के बच्चे सेवा में रहते हैं, हमारी विद्यालय की अध्यापिकाएँ उनकी संयोजिकाएँ रहती हैं, हम सब मिलकर रामचरित मानस का पाठ करते हैं जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं। रामचरित मानस एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे परिवार की जो मूल सिद्धांत हैं कि एक भाई को भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक पिता को एक पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक पुत्र को एक पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उस मूल ग्रंथ का हम पाठ पिछले 25 वर्षों से कर रहे हैं। इस नवरात्रि महोत्सव में एक नवान पाठ हर वर्ष होता है और 1008 परिवारों को संकल्पित करा के हम लोग वो पाठ करते हैं। इससे इतना परिवर्तन देखने को मिला विद्यालय में, विद्यालय के बच्चों में, विद्यालयों की टीचर्स में, बच्चे एक दूसरे से राम राम कह के उद्बोधन करने लगे, एक दूसरे का पूरा ध्यान रखने लगे, एक दूसरे का मान करने लगे, विवेक जागृत हुआ बच्चों का। तो सुंदरता से हम लोगों ने ये प्रयास किए जिसका हम ये समझते हैं कि हमारे सिर्फ विद्यालय के बच्चों पर नहीं, क्योंकि वो पाठ सिर्फ विद्यालय के टीचर्स या बच्चे या पेरेंट्स नहीं करते, मैनेजमेंट भी करती है। हम खुद मंच पर बैठकर उस पाठ को करते हैं, अपने साथ सबको कराते हैं। तो ऐसा पाठ जो अपने अंदर संयोग से संचित कर सके उसको कि हमने ये काम करना है, क्योंकि स्वयं जब तक हम नहीं करेंगे, स्वयं अपने आप में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो वो जागृति नहीं आएगी। तो ये एक बहुत सुंदर कार्यक्रम पिछले 25 वर्षों से चल रहा है। भारतवर्ष के अग्रणी संत परिवार इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, जैसे परमार्थ निकेतन ऋषिकेश वाले चेदानंद सरस्वती जी उसके साथ नित्य जुड़े हैं, स्वामी ज्ञानंद गिरी जी महाराज, स्वामी विजय कौशल जैसे सुंदर चिंतन उस कार्यक्रम में, बड़े सुंदर वो अपने उद्गार भी देकर जाते हैं। आज बहुत सुंदर लगा, आज मैं सवेरे से इस प्रांगण में आ गया था, सवेरे 4 बजे हमारी गाड़ी आ गई थी, आज सवेरे से ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस पूरे कार्यक्रम को देखने का उत्सव मिला, समय मिला। बहुत सुंदरता से हम सारा दिन आज वहाँ पावन धाम में थे, आनंद हुआ बहुत ज़्यादा, इतना आनंद हुआ कि देखिए जो चीज़ें जो उस छोटी छोटी तख्तियों पर छोटी छोटी बातें लिखी हुई थी, वही परिवर्तन तो हम देखना चाहते हैं समाज में, वैसा ही तो हम करना चाहते हैं। तो ऐसा सुंदर वो स्वरूप देखने को मिला, और मेरा आज पहली बार आगमन हुआ है इस विश्वविद्यालय में। इससे पहले मैं ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम हुआ था, दीदी वहाँ आई थी तो वहाँ उनके विचार सुनने को मिले थे, उससे प्रेरित होकर मैं यहाँ आया। लेकिन उससे भी ज़्यादा आनंद मुझे आज मिला जब मैंने यहाँ व्यक्तिगत स्वयं देखा कि वो काम कैसे हो रहा है, वो कैसे काम धीरे धीरे धीरे, हमारी छोटी छोटी बातें जो हमारी इस पूरे प्रांगण के, चाहे हमारी को मॉर्निंग जब हम गाड़ी से उतरे उस समय लेने आने से लेकर अब तक भी, वो सुंदरता से कैसे ध्यान एक एक चीज़ का दीदी ने हमारे साथ रखा, एक एक मिनट हमारी चिंता की, तो ये दिखाता है कि इतनी बड़ी संस्था होते हुए भी कैसे अपने संस्था के जो आगंतुक हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। बड़ा ज्ञान मिला आज, बड़ा आनंद मिला, बड़ा स्नेह मिला, मैं बड़ा प्रभावित हूँ और बड़े मन से आपकी संस्था को प्रणाम करता हूँ, और मुझे यहाँ आने का मौका दिया, अपनी बात कहने का मौका दिया। मैंने शायद थोड़ा सा समय भी ज़्यादा ले लिया है, मुझे भाव का पता नहीं चला। तो ऐसा सुंदर हमारा ये कार्यक्रम, जो भी ये कार्यक्रम हुआ बहुत सुंदर, और उससे बड़ा आत्म एक बहुत प्रयास लेकर जा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का। वैसे तो कहा जाता है पौधा जब होता है
तो उसको बेंड करना बहुत सहज हो जाता है। जब वही पौधा जब पेड़ बन जाता है उसको मोड़ना मुश्किल हो जाता। तो आपने बहुत, आप लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं वो छोटे बच्चों में परिवर्तन लाने में, बहुत सफलता भी पाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। अभी इस कॉन्फ्रेंस का विधिपूर्वक हम उद्घाटन करने जा रहे हैं दीप प्रज्वलन के द्वारा। मंचा सिंह जो भी हमारे भाई बहने हैं, आपसे अनुरोध रहेगा आगे आकर के दीप प्रज्वलन करके इसका विधिवत, इस कॉन्फ्रेंस का विधिवत उद्घाटन हम करें। और साथ साथ जिन जिनका नाम मैं ले रही हूँ आपसे भी अनुरोध रहेगा मंच पर आकर के साइड में जो पीतल के दीपक रखे हुए हैं वहाँ आप आएंगे। प्रोफेसर KRS सांबशिवराव जी, वाइस चांसलर ऑफ मंगलतायन यूनिवर्सिटी जबलपुर, प्रोफेसर डॉक्टर M. मुरुगानंद प्रोवोस्ट अदानी यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, रजनीश गुप्ता जी सेक्रेटरी ऑफ महाराज अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशनल सोसाइटी दिल्ली, डॉक्टर जयदीप निकम डायरेक्टर ऑफ स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस YCMOU नासिक, डॉक्टर BD कुमावत RAS रजिस्ट्रर एंड ऑफ महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर, कमांडर डॉक्टर भूषण देवन जी एडवाइज़र ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर। आपसे अनुरोध है आप भी दीप प्रज्वलन में साथ देंगे। और साथ साथ ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से किरण बहन भोपाल, ममता बहन अहमदाबाद, विकास भाई नासिक, नेहा बहन दिल्ली और दिव्या बहन दिल्ली, आपसे अनुरोध है आप भी आकर के दीप प्रज्वलन में अपना साथ दें। आप लोग भी अपना मोबाइल टॉर्च ऑन करेंगे, मोबाइल टॉर्च ऑन करके आप भी हमारे साथ रहेंगे इस दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया में। ज्ञान प्रकाश फैलाए संसार में, खुद में ज्ञान का प्रकाश फैलाए पहले, फिर संसार में ऑटोमेटिकली फैलता रहेगा। अनुरोध करने जा रही हूँ अभी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी सुदेश जी से अपना आशीर्वचन हमारे समक्ष रखेंगे। आप जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्म कुमारीज है। सुदेश दीदी इज अ स्पिरिचुअल लीडर टीचर एंड योगी हु हैज प्रोफाउंडली टच्ड काउंटलेस लाइव्स द वर्ल्ड ओवर फॉर मोर देन 65 ईयर्स। She is the Joint Administrative Head of Brahma Kumaris and she is also the European Director of Brahma Kumaris, Senior and also the Senior Director of Academy for a Better World Gyan Sarovar, and also the Director of the Retreat Center in Germany, which is called as Moringen.
with the unique ability of crossing cultural differences, serving as a bridge between East and West, Sudesh Didi is an outstanding lecturer, teacher, and broadcaster on human development, meditation, and the creative abilities of the mind. She is renowned for the depth and breadth of her insights, as well as her ability to forge a heartfelt connection with each listener. She has traveled in almost 100 countries, addressing and also hosting national and international conferences and coordinating workshops and seminars. Her knowledge and understanding of the meaning behind the most ancient Indian scriptures is profound. Her knowledge of many religions, scriptures, stories, and ways of life enable her to communicate easily with people from all faiths. In her own words, to live a spiritual life is to live a natural life. For despite our physical nature and circumstances, we are all actually at our core spiritual beings. Most respected Sudesh Didi ji. ओम शांति, ओम शांति। मेरे अति प्रिय सम्माननीय परमपिता परमात्मा की संतान, मंच पर विराजमान सम्माननीय गेस्ट नहीं कहूँगी, हम परिवार है, मेरे भाइयों, मेरी बहनों और सभा में बैठे हुए अति स्नेही भाई और बहन, आप सुन, जब से प्रोग्राम शुरू हुआ कई बारी सुना है कि एजुकेशन से ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन से ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड की, विश्व परिवर्तन का आधार वास्तव में देखा जाए तो जब आध्यात्मिक बात आती है तो आध्यात्मिक एजुकेशन, सुना है आपने पहले भी शील बहन जी से कि यह आत्मा को जानने से, आत्म परिवर्तन ही जीवन परिवर्तन है। और यह भी बात सुनी कि बच्चों को सिखाना चाहिए, परंतु बच्चे सीखते किन से हैं? जीवन का ही नाव, जीवन का बिगिनिंग परिवार में माता पिता से होता है। हम बच्चों को बदलना चाहते हैं अथवा सिखाना चाहते हैं तो पहली टीचर, फर्स्ट शिक्षक तो मदर होती है, मदर इज द फर्स्ट टीचर। तो हम देखें कि हम क्या सिखाते हैं बच्चों को। हम छोटे बच्चे को माँ गोद में लेती है, दादी गोद में लेती है तो फिजिकल ऑर्गन्स का परिचय देती है, ये तेरी आँख है, ये तेरा नाक है, ये तेरी उंगली है, वो बॉडी की पहचान देती है, शरीर की पहचान दिया। और शरीर के साथ साथ जेंडर कौन सा है इसकी पहचान दी, लड़की है मेरी बड़ी प्रिय मुन्नी है, मेरा मुन्ना बहुत अच्छा है, मेरा राजा बेटा है, दिल के उद्गार बहुत प्यार से बच्चे के सामने वर्णन करते हैं। बच्चे को सुनते सुनते ये पक्का हो जाता है, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, जेंडर कॉन्शियस हो गए शरीर के भान में नेचुरली। और थोड़ा आगे बढ़े तो नाम का परिचय दिया। और छोटे बच्चे को कितने बारी बार बार पूछा जाता है, बेबी तेरा क्या नाम है, लड़की तेरा क्या नाम है,
अब अर्थ क्या है, भाव क्या है इसका? उनको नाम का परिचय मिला, शरीर के नाम का परिचय मिला, और बच्चे ने समझ लिया मैं अनिल हूँ या मैं शांति हूँ, मैं या सुशीला हूँ। कॉन्शियस शरीर की ही बातें सब सुनाई, परंतु ये नाम किस पर पड़ा? शरीर का नाम है, तुम कौन हो ये परिचय नहीं मिलता है। कारण क्या है कि हम पेरेंट्स के पास भी जन्म जन्मांतर से पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म लेते ही शरीर का परिचय मिला, आत्मा का परिचय नहीं मिला। और आत्मा शब्द भी हमने तब यूज़ किया जब आत्मा चली गई शरीर छोड़ करके, फिर कहते हैं इनकी आत्मा को शांति का दान दो, और मैं रो रही हूँ और मैं दे रही हूँ शांति का दान, मैं दुखी हूँ मैं उनको शांति का दान कैसे दूंगी? तो सोचना चाहिए कि मेरा संबंध किसके साथ था, शरीर के साथ था या आत्मा के साथ था? मैंने अगर आत्मा अपने आप को ही आत्मा नहीं समझा और उनको भी आत्मा नहीं समझा है तो आध्यात्मिक शिक्षा मिलेगी कैसे? देगा कौन और ग्रहण कौन करेगा? मुझे किसी बर्तन में पानी डालना है, दूध डालना है, तो मुझे ये तो पता हो कि वो बर्तन कहाँ है, बर्तन बंद है कि खुला हुआ है, ढक्कन बंदर पर है बर्तन पर है, और मैं उसमें दूध डाल रही हूँ तो अंदर दूध नहीं जाएगा। हम जो सिखाते हैं शरीर भान से, संबंध के भान से, आत्मा के भान से नहीं बोलते। और जब शरीर छोड़ गया तो शरीर को एक दिन भी घर में नहीं रखते, हॉस्पिटल में ही रखेंगे, और जलाने के समय रात भर से पहले ही, दिन भर खत्म होने से पहले सब खत्म कर देवे शरीर। किसके साथ हमारा रिश्ता था, शरीर के साथ था या आत्मा के साथ था? तो जब अगर मुझे सिखाना है तो पहली शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा का मतलब ही है हम परिवार में माता पिता पहले सीखें, बच्चों को वो संस्कार जो बन, संस्कार बच्चों में पड़ते हैं चार प्रकार से, आत्मा के संस्कार बच्चा हो या बूढ़ा, पहले संस्कार पेरेंट्स से मिलते हैं, जैसा घर का वातावरण, जैसा परिवार में संबंध स्नेह, उसी अनुसार स्वाभाविक रीति से बच्चे के संस्कार, उसको कॉपी करने की भी नेचर होती है, बच्चे के अंदर उत्सुकता होती है, और पैतृक संस्कार दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी बच्चे को माँ बाप से मिली और जो माँ बाप का संस्कार है वो बच्चों को मिला। तो हम अपने आप को पहले देखें कि हम उनके अंदर दिव्य गुण कितने सिखला रहे हैं, उनमें वैल्यूज़ कितने सिखा रहे हैं। आत्मा समझकर हमने शरीर के भान से बोला, दो बारी बोला, चार बारी बोला, नहीं सुना बच्चे ने तो कहेंगे मैं दीवार से बात कर रही हूँ क्या, दीवार से बात कर रही हूँ क्या, सुनता नहीं है। और सचमुच देखा जाए तो शरीर से ही बात की है, शरीर तो सुनेगा ही नहीं, बिना आत्मा के शरीर कैसे सुनेगा? तो फोकस हम कहाँ कर रहे हैं, सिखा रहे हैं किसको, शरीर को या आत्मा को? तो आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब ही है मैं भी आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ, और मैं जिनको अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो भी उनके प्रति मेरी आत्मिक भावना हो कि ये एक शुद्ध आत्मा है। बच्चे को महात्मा कहा जाता है, इनोसेंट है, किसी प्रकार का वैर विरोध उसमें नहीं है, वैल्यू से आत्मा ने शरीर में जन्म लिया है। एक्चुअली हर एक आत्मा में ओरिजिनल संस्कार
शांति के, प्रेम के, शुद्धि के, सुख के, सेवा के, सत्यता के, दया के, इनोसेंट चाइल्ड कितना आकर्षित करता है। भेदभाव नहीं है कुछ उसमें। आप देखेंगे कि आप प्लेन में जा रहे हैं या सुपरमार्केट में गए हैं, बच्चे को देख के आप उनसे बात करेंगे, आप बच्चे को देख के मुस्कराएंगे, बच्चा आपको देख के मुस्कराएगा, और बार बार वो बच्चा आपकी तरफ ध्यान देगा। उसको कोई जाति पाति का भेद नहीं है। इनोसेंस मतलब क्या है कि सोल की ओरिजिनल क्वालिटी पवित्रता है, शुद्धि है, नेचुरल संस्कार लेकर के आया है। पर जब हम देह के भान में उनको दैहिक बातें पर सुखानी पड़ती हैं, बराबर नाम तो बताना पड़ेगा, स्कूल में नाम तो शरीर का ही लिखवाएंगे, सरनेम भी पेरेंट्स ने जो कहा है वो ही लिखेंगे, परंतु उनको अंदर से ये मालूम हो कि वास्तव में मैं आत्मा हूँ, तो ईश्वरीय विश्व ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, पहले ये परिवार है, फिर साथ साथ ये विद्यालय है, फिर संस्कार संसार में रहते हुए आप देखेंगे तो पहले पेरेंट्स के से एजुकेशन, फिर स्कूल से एजुकेशन। तो हम अपने आप से पूछें, हम टीचर रूप में बच्चों को मैनर्स सिखलाते हैं, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, टीचर कहेगा सिगरेट नहीं पीना, खराब है, ड्रग्स नहीं लेना, सॉरी कहते हुए कहना पड़ता है, टीचर के अंदर खुद आदत है सिगरेट पीने की, अब वो कैसे छोड़ेगा। तो जो हमारे जीवन में है उसको हम दूसरे को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो हम क्या सिखा रहे हैं। तो पहले अपना अपने स्वरूप को हम देखें तो हमारी जो शिक्षा है वो कहने की बात नहीं, वो करके बताने की बात है। हाँ, ऐसे भी परिवार देखे जो माँ बच्चों के अंदर एकता लाए, दिव्यता लेके आए। तो एक बार की एक कहानी है, रियल बात है ये, माँ ने खिचड़ी दिया बच्चों को एक प्लेट में, साधारण माता थी, खिचड़ी दिया, घी डाल दिया उसमें। अब हर एक बच्चा जो है चम्मच से घी अपनी तरफ खींच रहा है, माता ने देखा ये तो ठीक बात नहीं है, कुछ कहा नहीं, चम्मच ली और सारी खिचड़ी में घी मिला दिया, सिखा दिया कि कोई सिर्फ अपनी तरफ नहीं खींचो, ये सबको मिलना चाहिए। तो मतलब क्या है, एक्शन से, हमारे चरित्र से बच्चों का चरित्र बनता है, हमारे व्यवहार से उनका संस्कार बनता है, हमारे विचार से उनको लक्ष्य मिलता है। तो संस्कार परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है, और संस्कार शरीर की चीज़ नहीं है, संस्कार आत्मा की शक्ति है। संस्कार लेकर के आया, संस्कार लेके जाएगा, परंतु नए नए संस्कार मीन्स कर्म का रिजल्ट वो आत्मा ऐड होते जाते हैं उसमें कर्म। तो पहली शिक्षा पेरेंट्स से, घर से मिलती, दूसरा संस्कार स्कूल से मिलता, टीचर से मिलता है, तीसरा संस्कार संग से मिलता है, समाज से मिलता है, तो जो और चौथा जो ओरिजिनल संस्कार है वो आत्मा का, परमपिता परमात्मा की संतान है, वो आत्मा को परमात्मा से मिलता है। तो चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों, जब हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से है, हम परमात्मा को अपना माता पिता कहते हैं, आरती करते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो तो पिता तो सबका है ना, परमात्मा माँ भी सबकी है, प्यार का सागर है।
तो संबंध जब जुटता है तो ऑटोमेटिकली परमात्मा के संस्कार आत्मा से मिलते हैं, तो आत्मा को उस आत्मिक बल से, जैसे आत्मा क्या है, एक चैतन्य बीज की तरह है, बीज को जब तक धरती में डाला नहीं, जल पर नहीं दिया, उगेगा नहीं। तो भाव क्या है मेरा कहने का, कि आत्मा बीज को, जैसे बीज को जल भी चाहिए, धरती भी चाहिए, धूप भी चाहिए, केयर भी चाहिए, तो हम आत्मा बीज को आत्मिक स्थिति में माली बन करके सींचेंगे तो वही बीज एक बड़ा वृक्ष बन करके सबको छाया देगा, फल देगा, वातावरण बनाएगा। तो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में ये विद्यालय है, इग्नोरेंस इज़ द रूट कॉज ऑफ सफरिंग, तो ज्ञान इज लाइट, तो ज्ञान की लाइट मिलने से फिर वही ज्ञान जब हम जीवन में चलते हैं वो जीवन की शक्ति धारणा माइट बन जाती है। लाइट नेवर फाइट्स विद एनीवन, लाइट की प्रॉपर्टी ही है डार्कनेस को डिस्पेल कर देना। तो परम पिता परमात्मा ज्ञान देते हैं, आप ज्ञान सरोवर में आए हैं, तो इतना तो ज्ञान जरूर आपको वरदान के रूप में मिलेगा कि आप आत्माएं उस पिता परमात्मा की संतान हैं, और परमात्मा के जो गुण हैं ये आपको फिर कोर्स में जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मिलेंगे। समय को सीमा रखने ध्यान में रखते मैं इतना ही कहूँगी, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट, एंड नॉलेज इज लाइफ, एंड दैट इज लाइट। लाइट इज गॉन, लाइफ इज गॉन, तो क्यों नहीं अपनी लाइफ को लाइफ बना के रखने के लिए सदा जीवन में लाइट रखे। थैंक यू, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच दीदी। जैसे दीदी ने कहा, लाइट इज गॉन द लाइफ इज गॉन, तो यहाँ भगवान के घर में आप सभी आए हैं तो वरदान ज़रूर अपने झोलियों में भरेंगे। लाइटनेस और लाइटनेस दोनों, हल्कापन और फिर ब्राइटनेस, ये दोनों बढ़े आपके जीवन में और बढ़ता ही रहे, और दूसरों को भी प्रकाश फैलाते रहेंगे, संसार में आपका प्रकाश दूर दूर तक फैले, यही शुभ आश हम सभी का आपके प्रति है। अभी मैं अनुरोध करने जा रही हूँ आदरणीय राजयोगी डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी, जो शिक्षा प्रभाग के चेयरपर्सन हैं और आज के सेशन का भी आप चेयरपर्सन हैं, पिछले 65 इयर्स से योगी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप भी जब पढ़ाई कर रहे थे बैंगलोर यूनिवर्सिटी में, तब से आप इस संस्था के साथ जुड़े, और फिर कर्नाटक में बहुत सारे सेंटर्स, राजयोग सेंटर्स खोलने के निमित्त बने, फिर उसके बाद यहाँ हेडक्वार्टर्स में स्थित होकर के ब्रह्म कुमारीज के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत है, साथ साथ आप गवर्निंग मेंबर है मैनेजमेंट कमिटी के, और राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के भी आप गवर्निंग मेंबर है, और हम सभी के प्रिय भ्राता जी है, बड़े दिल वाले, और हर एक आत्मा के प्रति इनके दिल से ये दुआएं निकलती है, शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं निकलती है कि हर एक को हम कैसे आगे बढ़ाएं, हर एक की विशेषता को देखते हुए आगे बढ़ाते हैं ज़रूर है। आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वप्रथम सर्व आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा को अपनी मन से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं,
धन्यवाद देते हैं हम सबको एकत्रित होने के लिए ये चांस दिया। परम पिता के साथ साथ वो परम शिक्षक भी है, ज्ञान का सागर है। ज्ञान देकर के मनुष्य को तीसरा नेत्र खुलता है और वर्तमान भविष्य दोनों दिखाई देता है और गतकाल और वर्तमान और भविष्य क्या होना चाहिए उसका ज्ञान देता है, तब तो मनुष्य के कर्मों में शुद्धि आता है। साथ साथ में वो सद्गुरु भी है, सद्गुरु मार्गदर्शन करते हैं। मनुष्य पापों से भरा हुआ इस मनुष्य को पाप से मुक्त करने के लिए धरती पर आता है और ऐसी परमात्मा को मैं आज स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, याद करता हूँ। हम सबको ऐसी ब्लेसिंग देवे, लाइट एंड माइट देवे, जिस लाइट एंड माइट के माध्यम द्वारा अंधकार को मिटा सके। साथ साथ में हमारा सभी दीदियाँ आप सबको बहुत ज्ञान दिया है, मैं इसको रिपीट नहीं करेंगे, और उपस्थित सभी शिक्षाविदों को, वाइस चांसलर को, चाहे उधर बैठे हैं चाहे इधर बैठे हैं और कहीं भी बैठे हैं, इस सभा में बैठे हैं, इस ज्ञान सरोवर में आंगन में बैठे, उन सबको और अन्य सभी शिक्षकों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, ओम शांति कहता हूँ। ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू स्पिरिचुअल एजुकेशन, इसमें ये नहीं लिखा है मेडिकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड आर्ट एजुकेशन, फिजिक्स एजुकेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इट इज़ स्पिरिचुअल एजुकेशन। इस क्यों कहा, इसके बारे में थोड़ा डीप में आप सभी सोचना चाहिए। अभी अभी हमारा दीदी ने बहुत अच्छी बात, और दूसरा हमारा साइंटिस्ट साहब हैदराबाद से जो इन्होंने कहा, अन्य सभी लोगों ने जो कहा, अल्टीमेटली व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, हम शिक्षा को लेने के लिए उद्देश्य क्या है। मेरे पर्सनल ये राय है, द पर्पस ऑफ एजुकेशन, ऑल एजुकेशन इज़ टू मेक एन इंडिविजुअल नॉलेजफुल, बिकॉज वी बिलीव नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज़ वे टू एनलाइटनमेंट, नॉलेज लिबरेट्स ourselves and liberate from all kinds of darkness, ignorance, impurity, अज्ञान, अंधकार से मुक्त करने का, पाप से मुक्त करने का विधि है नॉलेज। परंतु आज की दुनिया को इस हिसाब से हम देखा जाए, वो नॉलेज हमको मिला है, वह हमने अपने प्राप्ति किया, वह उससे मिसिंग है, हमारा लाइफ में मिसिंग है, समाज में मिसिंग है, हमारे व्यवस्था में मिसिंग है, हमारे सोसाइटी में मिसिंग है, थ्रू आउट वर्ल्ड में ये मिसिंग नॉलेज है। परंतु वो मिसिंग नॉलेज को फुलफिल करने की ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। एक बार हमारा वाइस चांसलर्स का इधर गोष्ठी था, कॉन्फ्रेंस था, उस समय दी दिन दी चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन डॉक्टर हरि गौतम थे, इसी सभा में इसी स्टेज पर उन्होंने एक बात कहा, वी हैव गॉट ए नेशनल यूनिवर्सिटीज, रीजनल यूनिवर्सिटीज, व स्टेट यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और म्यूजिक यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, but we do not have a spiritual university. If it is a spiritual university, it is here, that is Brahma Kumaris, that is here, 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 I said. My baat iske liye hai, hum spirit ke baare mein baat karte hai, atma ke baare mein baat karte hai, soul ke baare mein baat karte hai, jalm, unar jalm ke baare mein baat karte hai, karm ke baare mein baat karte hai, parantu usko siksha sahi disha mein, koi bhi university mein nahi de rahe, parantu mujhe kshama karna, इसको शिक्षा में उनके पाठ्यक्रम नहीं है, सिलेबस नहीं है, एम नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल मनुष्य को नौकर बनाने का शिक्षा देते हैं, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय करने के लिए शिक्षा देते हैं, पैसा कमाने के लिए शिक्षा देते हैं, परंतु जीवन में खुशी नहीं है, शांति नहीं है, और सद्भावना नहीं है, शुभ भावना नहीं है, प्रेम नहीं है। द वेरी पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू बिकम ए पीसफुल बींग, किसी भी परिस्थिति हो, किसी भी कंडीशन हो, उन्हें शांति दूत बन करके रहना, लवफुल होकर के रहना, और लाइट एंड माइट बन करके रहना, और दूसरों को भी उसको एनलाइट करना, एम्पावर करना, एनरिच करना, ये पर्पस है। परंतु उस पर्पस से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो और भी घोर कलयुग होते जा रहे हैं। हमको कहते हैं ये कहाँ है, किस समय पर हम चल रहे हैं, कलयुग, इस घोर कलयुग में, केवल कलयुग नहीं, घोर कली, इस कलयुग को एक बटन प्रेस करके कर देंगे तो कोई एक दो मूर्ख भी बस सारी दुनिया को ध्वंस कर सकता है, विनाश कर। मुझे 1986 में एक कॉन्फ्रेंस था, हमारा ओम शांति भवन ने दी देन दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकटरामन जी इधर आए थे, उन्होंने कहा यू हैव गॉट कितना, इस दुनिया को 60 बार विनाश करने के लिए आवश्यक जितना बम चाहे उतना स्टॉक फैल है, बट इवन आफ्टर दैट यू हैव नॉट लर्नड एनी लेसन,
एनी अंडरस्टैंडिंग दिस इज मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग. आज की दुनिया में वो परिस्थिति है. एक घोर कलयुग को सत्य की बनाना है तो हम सबको ये सत्य ज्ञान का परमात्मा का शिक्षा का. मुझे एक बहुत खुशी की बात है, आज बाबा का महावाक्य था, बहुत 1969 के पूर्व की महावाक्य था. बाबा ने कहा इट इज़ ए स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी कम रूहानी हॉस्पिटल कम रूहानी घर है. ये आत्माओं का घर है क्योंकि ये परमात्मा का घर है. ये आत्माओं का यूनिवर्सिटी है क्योंकि ये परमात्मा का यूनिवर्सिटी है. ये आत्माओं का लाइट एंड माइट का ये स्थान है. इधर लाइट भी मिलता है, माइट भी बीतता है, एनलाइटनमेंट मिलता है. इसके लिए जो आए हुए सभी शिक्षक गणों को, सभी उनके परिवारों को, उनके साथियों को और हमारे ऑर्गेनाइजर सभी बहनों को, विशेष करके सुमन बहन और हमारा दीदी या अन्य सभी भाई बहनों को, हमारा शिक्षा प्रभाग का सभी भाई बहन का सहयोग से ये कार्य चल रहा है. और आप सभी यहाँ से रिटर्न होंगे तो एक लाइट एंड माइट हाउस के जावे और यहाँ से शांति दूत बन करके जावे, प्रेम का दीप जला करके जाए और पवित्रता का किरण बन करके जाए, सबको पवित्रता का बांटे. वेयर देर इज ए प्योरिटी देर इज ए पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. इन्हीं कह देते हैं बी होली बी योगी बी गुड डू गुड बी थिंक पीस एंड बी स्प्रेड पीस. ऐसा कहकर के मैं वाणी को विराम करता हूँ क्योंकि समय की सीमा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. नमस्ते, ओम शांति. दैट वॉज वेरी शॉर्ट एंड स्वीट. थैंक यू वेरी मच भाई साहब. अभी मैं आदरणीय सुदेश दीदी और प्रभा दीदी से अनुरोध करती हूँ कि बांचा सीन अपने वाइस चांसलर्स का सौगात दे करके अभिनंदन करेंगे. भाई साहब आप भी रहेंगे दो मिनट. दो मिनट रुकिए. मैं आदरणीय गुप्ता भाई आरपी गुप्ता भाई जी से अनुरोध करती हूँ ओट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करेंगे. आप डिस्टेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स के हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर हैं. आप पिछले 20 सालों से राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं और यहाँ वर्तमान समय ज्ञान सरोवर में उपस्थित होकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इस सत्र के बाद आप सभी को ईश्वरीय सौगात दी जाएगी तो इसीलिए आप सभी यहाँ ही उपस्थित रहेंगे. अभी हम सुनेंगे आदरणीय गुप्ता भाई जी. ओम शांति. परमपिता परमात्मा की अति प्रिय संतानों, मंचासीन सभी मानुभाव एवं देश के कोने कोने से आए हुए वाइस चांसलर, डायरेक्टर्स, प्रोफेसर्स, डीन और प्रोफेसर्स, सबसे पहले मैं उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ जिनकी प्रेरणा से, जिनके संकल्प से ये प्रोग्राम संपन्न होने जा रहा है. मैं धन्यवाद करता हूं परम आदरणीय डॉक्टर बी के मृत्युंजय भाई जी का. जितनी भी हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं आप ही इनके प्रेरणा स्रोत हैं. आपकी प्रेरणा से ही
हम ये सारे कारोबार करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजयोगिनी सुदेश दीदी जो हमारी ज्वाइंट चीफ ब्रह्मा कुमारीज हैं, आपका भी हम एजुकेशन विंग की तरफ से तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रोफेसर अनिल शुक्ला वाइस चांसलर MDS यूनिवर्सिटी अजमेर, आप बहुत सारे रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किए हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आपने काम किया है, देश विदेश में आप घूमे हैं, आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मिस्टर गुरुदत्त अरोड़ा प्रेसिडेंट JBM एंड बाल मंदिर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दिल्ली, आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं, आप हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। राजयोगिनी BK प्रभा दीदी, आपकी इंस्पिरेशन हमें मिली, आप डायरेक्टर हैं ज्ञान सरोवर के, आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर इंद्रमणि वाइस चांसलर वसंत राव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, आप हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रोफेसर D. रविंद्र यादव वाइस चांसलर ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, आपने भी बहुत सारे देश विदेश में विजिट किए हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, आप हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राजयोगिनी BK सीलू दीदी जो वाइस चेयरपर्सन है एजुकेशन विंग की, आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर BK पांडेमणि जो सारे कोर्सेज को चला रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिविका बहन हमारी एजुकेशन विंग की हेड क्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, आपका भी हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। BK सुमन बहन जी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं एजुकेशन विंग की और जो सारे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मधुरवाणी ग्रुप जिन्होंने बहुत अच्छा सॉन्ग किया, आपका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं। एक मिनट और लूँगा आपकी, क्या आप 3 दिन यहाँ रहेंगे? जब आप घर जाएं, कोई ये ना कहे कहाँ गए थे, बल्कि ये पूछे आपको क्या मिल गया। आप कुछ भी चला जाए, आपकी मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए, इसलिए हम कहते हैं कि फूल बनकर मुस्कराना जिंदगी है, मुस्कराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुए, हार कर भी मुस्कराना जिंदगी है, हार कर भी मुस्कराना जिंदगी है। धन्यवाद। ओम शांति। गुप्ता भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ थोड़ा सा अरेंजमेंट्स करेंगे, फिर आपको इनवाइट किया जाएगा स्टेज पर सौगात लेने के लिए। 1 मिनट साइलेंस में बैठ।
व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, श्वास की हर लड़ी कीमती है। व्यर्थ जाने से